ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की मोहति कृपा से सभी गुरु वैष्णवाचार्य लोग की कृपा से पूर्वाचार्य लोग की कृपा से आज तक हम जो सुन रहे हैं और जो भक्ति जाजन कर रहे हैं जो हमारा सामर्थ्य है वही आचार्य लोग की कृपा है। हमारी जो परंपरा है गौड़ीय वैष्णव परंपरा, परंपरा ये ज्ञान की परंपरा नहीं है, वैराग्य की परंपरा नहीं है। जैसे भारतवर्ष में दूसरे दूसरे संप्रदाय में किस संप्रदाय में ज्ञान का प्रभाव है, तो इस संप्रदाय में आने वाले जो भक्त लोग हैं जो पंथी हैं वो लोग उन लोग का आचार्य से सीखते हैं ज्ञान कैसे साधन करना है, योग कैसे साधन करना है, वैराग्य कैसे साधन करना है। दूसरे दूसरे पंथी जो लोग हैं दूसरे दूसरे पंथी में किसका ज्ञान का प्राधान्य होता है, किसका वैराग्य का प्राधान्य होता है, और हमारे जो परंपरा है इसमें ज्ञान भी है वैराग्य भी है। विशेषतः एक चीज है वो है करुणा, कृपा की परंपरा। हमारे परंपरा जो परंपरा में विशेष भाव यही है। एक आचार्य वो आचार्य का जो स्थिति है जो अभिन जो कार्य है उस संपादन करते हैं आचार्य रूप से, लेकिन पूर्वाचार्य जो गुरुवर्ग है उनकी कृपा के आधार पर करते हैं। खुद का सामर्थ्य लेकर कोई इधर हमारे हमारे जो भक्ति मार्ग में गौड़ीय संप्रदाय में कोई खुद का सामर्थ्य ऊपर विश्वास नहीं करते। हम लोग थोड़ा आजकल के जो भक्त हैं हम लोग का ये भाव होता है हमारे ऊपर बहुत विश्वास है, हमारे पास जो ज्ञान है जो वैराग्य है जो क्वालिटीज है उसको लेकर हम थोड़ा सोचते हैं कि मैं कुछ दिन टिक जाऊंगा। लेकिन पूर्वाचार्य लोग हमारा परंपरा की शिक्षा यही नहीं है। परंपरा की शिक्षा ये है कि हर समय कृपा के ऊपर निर्भर करना, डिपेंडिंग ऑन डिपेंडेंट। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कोई पैरालाइज्ड पर्सन है, कोई आदमी है उनको पैरालाइज हो गया है, हिंदी में पैरालाइज समझ रहे हैं ना, तो पैरालाइज हो गया, पक्षाघात बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं संस्कृत में, पक्षाघात बोलते हैं, पक्ष आघात हो गया है, पैरालाइज पर्सन है वो। देखो अभी सब किसका पर डिपेंड करेगा, सजीव और निर्जीव दोनों का ऊपर। उनका बाल बच्चा जो खिलाएंगे तो उसको तो थोड़ा भोजन करेगा, कोई देंगे तो भोजन करेगा, नहीं देंगे तो भोजन भी नहीं करेगा। और जो पैरालाइज पर्सन है ना, अभी जो नॉन मूविंग है स्टिक लाठी पकड़ता है कि नहीं, पैरालाइज पर्सन उनका ऊपर भी डिपेंड करता है, सबका ऊपर डिपेंड कर लेता, क्योंकि पैरालाइज हो गया है ना। और कलयुग में हम जैसे भक्त लोग हैं ना, हम लोग सब पैरालाइज्ड है, मेटेरियल पैरालाइज्ड, स्पिरिचुअल पैरालाइज्ड। अगर हमको छोड़ दिया जाए तो भौतिक जीवन में तुम सुख से रहो, भौतिक जीवन में सुख शांति में हम नहीं रह सकते। हमारा आदत इतना खराब हो गया है, चाहे हमारा ये कर्मफल हो या संघ की वजह से हो, ये परिवेश ऐसा हो गया है, परिस्थिति ऐसा हो गया है कि हम पैरालाइज हो गए, मेटेरियली पैरालाइज हो गए। बाल बच्चा को लेकर जैसे पहले जमाने में खूब सुख शांति में रहते थे भाई, उनको तो पता नहीं था कृष्ण क्या है, कम से कम तो फैमिली मूड में रहते थे, परिवार की जो भाव था वो भी था, एक सामाजिक भाव था, एक पारिवारिक भाव था, कुछ नहीं है अभी। हम मेटेरियली रिजेक्टेड हो गए, मायादेव ने हमको रिजेक्ट फेंक दिया डस्टबिन में, चलो
तुम लोग का कोई काम नहीं है। तुम माया को, तुम विषय को भोगने के लिए तुम्हारा ताकत नहीं है। हम लोग ऐसे हो गए, विषय को भोगने के लिए भी ताकत नहीं। विषय भोगना कोई इतना छोटा काम नहीं है। फिर माइंड बैलेंस रहना चाहिए ना। अनबैलेंस पर्सन मेटेरियल एंजॉयमेंट भी नहीं दे सकता। कहाँ मैं ये बोल रहा था, भोपाल में ये बात बोल रहा था। जब हम सब कुछ डस्टबिन में फेंक देते हैं तो क्या होता है उसको? वो कोई काम में आता है नहीं। अभी काम में लगा रहे हैं ना, इसको रिसाइकिल करते हैं, समझ रहे हैं ना? रिसाइकिल नहीं होता है, रिसाइकिल करके उसको बनाते हैं, कचरा जो है उसको रिसाइकिल करते हैं। तो माया हमको फेंक दिए हैं और प्रभुपाद जी हमको रिसाइकिल कर रहे हैं, रिसाइकिल करके काम में लगा रहे हैं। दुनिया में हम कोई काम में लगने वाले नहीं है। सचमुच आपको, आपको अगर ये बात अच्छा नहीं लग रहा है तो चलिए बाहर में देख लीजिए। आपको, आपको कोई भी कितना बड़े पोस्ट पर रही, आपको सब फेंकेंगे डस्टबिन पर। और साधु ऐसे होते हैं, एक कृपा की परंपरा होते हैं ना, कोई भी उनका फोल्ड में आ जाते हैं। अंग्रेजी में फोल्ड बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, उनका परिसर फोल्ड में आ जाते हैं, तो उनको काम में लगाते हैं। ये आचार्य लोग की महिमा है, हमको रिसाइकिल करके पूरा काम में लगाते हैं। प्लास्टिक वगैरह फेंक देते ना, उसको रिसाइकिल कर नया प्लास्टिक बना, ये हमारा नया रूप है। जो भगवान के भक्त बनते हैं, तिलक लगाते हैं, माली करते हैं, हम लोग का तो महिमा हमको पता नहीं चल रहा है, वैष्णव लोग की महिमा है। लेकिन ये सोचना चाहिए, आचार्य की कृपा का इस शरीर, आज जो सेवा में कर रहा हूँ, जो काम में लग रहा हूँ, समाज के काम में, चाहे डिवोटी को प्रीचिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ना, ये तो ये आचार्य की कृपा है, नहीं तो हम कुछ नहीं होने वाला। ये है हमारा भाव। तो प्रभु जी बुलाए हैं, अमंगला प्रभु जी बार बार बोल रहे थे, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रभु जी, मैं क्या बोलूँ, आप लोग तो बहुत सुन रहे हैं, कितने बड़े बड़े वैष्णव लोग आ रहे हैं। ये महाराज के क्षेत्र है, पूज्यपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के क्षेत्र है। महाराज ने बहुत श्रम करके ये क्षेत्र को बनाया है, ये उनका किला है, होता है ना। तो मैं क्या बोलूँ, तो महाराज की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, गुरु आचार्य वर्ग की कृपा को आधार करके आप लोग की कृपा, तो हम कुछ सुनेंगे। जैसे स्वर्ग गोस्वामी टीचिंग्स है, स्वर्ग गोस्वामी के जो चरित्र आप लोग तो आजकल पढ़ लेते हैं, बहुत किताब निकला है, तो मैं क्या ज़्यादा बोलूँ। लेकिन एक संप्रदाय और स्वर्ग गोस्वामी की शिक्षा में, शिक्षा को लेकर हमारे जो एसेंस पॉइंट्स है, क्या क्या हमको फॉलो करना है, गोस्वामी लोग का अवदान क्या है, हमको क्या सिखाए हैं, इस पर हम कुछ सुनेंगे। तो पहले गोस्वामी में कौन थे, सर गोस्वामी एक प्रयार है, प्रार्थना है। देखो आचार्य लोग गोस्वामी लोग कितना मानन करते थे। गोस्वामी लोग कौन थे, त्यागी थे कि नहीं, सब ब्रह्मचारी थे। अरे गोस्वामी एक परिवार में तीनों ब्रह्मचारी है, दो भाई और एक भाई का बेटा अनुपम, अनुपम का बेटा है जीव गोस्वामी, वो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल त्यागी थे। दो भाई, दो पिताजी चले गए ना, नाना बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते नाना, हाँ, दो बड़े बापा चले गए, तो उनका मन में पूरा वैराग्य आ गया। ये वैराग्य जो भाव उदय होता है, ज्ञान का जो भाव उदय होता है, एक कल्टिवेशन में होता है। कल्टिवेशन क्या बोलते हैं, कल्टिवेट करते हैं, हाँ। लेकिन एक कृपा से होता है, अच्छा लोगों की कृपा से। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने, ये जो राजा की दो लड़का था ना, क्या उनका नाम था, वो दो छाग लेकर जा रहे थे, छागल बोलते हैं ना, छागल हिंदी में छागल बकरी, हाँ, और दो बकरी लेकर जा रहे थे, छागल बंगाली में बोलते शायद, मुझे पता नहीं, बंगाली हिंदी मिल जाता है, पर हिंदी इतना शुद्ध नहीं है और ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक होता है, मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, बंगाली पढ़ता हूँ इसलिए थोड़ा मिस्टेक होगा। तो दो बकरी लेकर जा रहे थे, क्यों, दुर्गा पूजा था, और राजा का लड़का दुर्गा पूजा में तो बहुत उधर बलि चढ़ाते हैं, बलि के नाम पर भोजन करते हैं, और गंगा के तट पर नरोत्तम दास ठाकुर ने बैठे थे। देख लीजिए वैराग्य कैसा उदय होता है। पहले तो हम लोग को
जानबूझकर कुछ डिटैचमेंट, क्योंकि भोग बाधक होता है ना साधन में, इसलिए जानबूझकर कुछ करते हैं, नहीं मुझे इतना नहीं खाना है, इतना नहीं सोना है, इसे नहीं पहनना है, इसको करना पड़ता है पहले। जब आचार्य कृपा हो जाता है ना, ये जीवन में स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए तरसना नहीं चाहिए कि मैं भोग की दिशा में मेरा मन जाता है, नहीं, मन नहीं जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने दर्शन कर लिए, दोनों भाई वो जा रहे हैं, दोनों बकरी लेकर, तो उनको इतना ही संकल्प कर लिए, दोनों को देखकर उन मन में ऐसा संकल्प आ गया, ये दोनों भाई अगर वैष्णव हो जाएंगे तो कितना सुंदर होगा, ये छागल लेकर क्या करेंगे, ये बकरी लेकर जा रहे हैं, ये दुर्गा की, मां दुर्गा की पास बलि चढ़ाएंगे, उसके भलाई क्या होगा, इतना ही संकल्प किए। तो वो दो भाई नरोत्तम दास ठाकुर का, ठाकुर को दर्शन करने लगे, सिर्फ दर्शन में उनका मन में वैराग्य आ गया, क्योंकि संकल्प कर रहे हैं ना। हमारा जो पद्धति है ना, यही है, हम गुरु वैष्णव हरि उनके लिए सेवा कर रहे हैं। अनुकूल हवे विधि, नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं, कब विधि मुझे अनुकूल होंगे, ये श्री रूप मंजरी पद में एक पद है, अंतर अंतिम में अनुकूल हवे विधि, जो विधि का मतलब बाहर लोग समझते हैं ब्रह्मा, संस्कृत में विधि का मतलब ब्रह्मा होता है, और विधि को कभी बोलते हैं हम भाग्य, और दूसरे लोग विधि को बोलते हैं भगवान, और हम लोग विधि को यही बोलते हैं, हमारा परंपरा में हम बोलते हैं कब गुरु वैष्णव हरि गुरु वैष्णव की कृपा हम मुझे मिल जाएगा, हम इसको लक्ष्य करके विधि बोलते हैं। ये अनुकूल कब हो जाते हैं, कृपा जब अनुकूल हो जाता है ना, तब सब कुछ सुलभ हो जाता है। आचार्य लोग की कृपा जब अनुकूल हो जाता है, अनुकूल समझ रहे ना, अनुकूल होता है प्रतिकूल होता है, जैसे कोई चीज, जैसे बारिश, बारिश गिर रहा है लेकिन आपका आपका हाथ में एक अम्ब्रेला है, छाता है, तो डायरेक्ट टच नहीं करता है, अनुकूल हवे विधि से पदे हुई व सिद्धि निरख्य व इदुई नयान। वैसे जैसे बारिश आपका मस्तक पर अम्ब्रेला है, छाता बोलते हैं ना, छाता है, तो अभी जो बारिश गिर रहा है इसका आपका मस्तक पर गिर रहा है कि नहीं, गिर रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं गिर रहा है, देखो मस्तक में नहीं लग रहा है, क्यों ऐसे है, कृपा आचार्य लोग ऐसे वर्षण कर रहे हैं, लेकिन हम मस्तक ऊपर हमारा छाता है, ये कृपा है, वो डायरेक्ट नहीं टच हो रहा है, हम लोग का हालत ऐसा हो गया है अनुकूल, क्योंकि प्रतिकूल भाव रहता है भक्ति में, कृपा की एक प्रतिकूल, क्या प्रतिकूल होता है कृपा में, वैष्णव अपराध होता है, अनर्थ होता है, कितना कितना आचार्य लोग व्याख्या किया, इसे सबसे बड़ा प्रतिबंधक ये होता है कि अपराध, जो सरल होते हैं, जीव गोस्वामी ने लिखे हैं, जीव गोस्वामी कहां लिखे हैं, तृतीय स्कंद भागवत में देवस्तुति है, देवस्तुति में एक स्तुति है, कौन सा स्तुति वो है दिखा दूंगा आपको, बाद में रेफरेंस दे दूंगा, उस स्तुति के कमेंट्री में लिखे हैं, इसमें वो लिखे हैं, जो सरल आदमी होते हैं, स्वाभाविक सिंप्लिसिटी जिसको बोलते हैं, स्वाभाविक भाव से वो सरल है, उन लोग के लिए साधन नहीं है कि वो साधु का पास जाना, बस साधु संग में बैठ जाते हैं ना, उसके साधु की कृपा चले आते, क्योंकि कृपा तो अनादि काल से आ रहा है ना, जी का ऊपर वर्षण होने के लिए, कृपा का क्या स्वरूप होता है, जैसे कोई धनी आदमी वो पैसा देता है, वो जब निकल आया है ना देने के लिए, तो उनका क्या क्या काम होता है, देना ही काम है ना, देना ही उनका काम है, और दूसरा कोई काम नहीं है, तो हम लोग का काम है मांगना है, जैसे आचार्य लोग जो आए हैं ना, तो कृपा देने के लिए आए हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं है, जो कुछ भी करते हैं ना, जैसे कथा आचार्य लोग कथा बोलते हैं, कथा के माध्यम से कृपा देते हैं, कोई सेवा का बंदोबस्त कर देते हैं, मंदिर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, कृपा कृपा ही उनका स्वरूप होता है, स्वरूप कृपा है, कुछ भी करते हैं कृपा के लिए,
हम लोग के लिए। तो बाधा क्या होता है, मैं कौन सा पॉइंट बोल रहा था, इसके बाद इधर चले आए। हाँ, जो सरल होते हैं कृपा, साधु का कृपा जो है इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, उनके लिए कोई साधन का जरूरत नहीं होता। जैसे छोटे दोनों बच्चा है ना, वो सरल थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने सिर्फ संकल्प कर दिए, क्या गुरु आचार्य लोग हमारे लिए संकल्प नहीं कर रहे हैं? वो नहीं चाहते कि हम कृष्ण प्राप्ति करें, वो नहीं चाहते कि हम लोग कृष्ण का भजन करें। इसीलिए तो हम लोग को उस शिष्य बनाए हैं, हमारा हाथ पकड़े हैं। इसलिए संसार हाथ छोड़ने वाले हैं, संसार में सब हाथ छोड़ते हैं, कमर कस के पकड़ लेते हैं। आपको लगता है मुझे पकड़ा है, वो पकड़ लिया है, वो पकड़ते नहीं है, छोड़ने वाले हैं सब। गुरु कृष्ण कभी नहीं छोड़ते हैं, हम हाथ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि छोड़ने का आदत हम लोग का है, छोड़ने का आदत है हम लोग का, हम छोड़कर चले जाते हैं। ममता नहीं रहता है गुरु और कृष्ण का ऊपर, तो कुछ दिन कुछ करते हैं, फिर सोचते हैं नहीं नहीं मुझे क्या मिलेगा। जो सरल होते हैं ना, उनका साधन यही होता है, साधु का संग करना। और कृपा का स्वभाव यही होता है, स्थानांतरित हो जाता है, क्या बोले, ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो सरल नहीं, अपराध है, जीव गोस्वामी बोल रहे जो अपराध ही होते हैं उन लोग के लिए तो एक साधन, दूसरा साधन है। हम लोग तो अपराध जीव है ना, तो इसलिए हमारा ज्यादा भलाई नहीं हो रहा है, जितना भलाई होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ दिन के बाद हम सोचते हैं मेरा क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मेरा मन, या हम सोचते हैं मेरा क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, सबको सुख मिलता है, मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है। मेटेरियल स्ट्रगलिंग कर रहे थे, अभी स्पिरिचुअल स्ट्रगलिंग शुरू हो गया। देखो हम स्ट्रगलिंग, क्या बोले, एक संघर्ष चल रहा था बाहर दुनिया में, इसको, इसे छुटकारा पाने के लिए हम इधर आ गए, फिर इधर एक संघर्ष शुरू हो गया। प्रभुपाद जी कहा करते थे, तुम कहां भी जाओ तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा संघर्ष होता है, हमारा एक बल है, हम गुरु आचार्य कृपा की भरोसा पर हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारा स्ट्रगलिंग शुरू हो जाता है जब हम ये अपराध वृत्ति अंतर में आ जाता है। तो जीव गोस्वामी वही पर बोल रहे, जिन लोग का अपराध वृत्ति है उन लोग के लिए साधु संकल्प करेगा, साधु उनके लिए संकल्प करेगा, ये कृष्ण कृपा करके ये जीव को आप उद्धार कर दीजिए, उनका जो दोष है उनको माफ कर दीजिए, तब तो कृष्ण छोड़ देते। तो हम लोग को कौन सा तरीका फॉलो करना है बताइए, हाँ, दूसरे वाला या पहले वाला बताइए। हम तो सरल नहीं है, छोटे बच्चे से हम सरल नहीं है, स्वाभाविक सरल। और सरल का डेफिनेशन नहीं होता है अनफ्लिंचिंग फेथ स्पिरिचुअली। देखिए बहुत सरल आदमी है वो भक्त नहीं है, इसको सिंपलिसिटी में नहीं माना जाता है। वो बहुत सरल आदमी है, वो बीड़ी पी लेते हैं, माछ मछलियां खा लेते हैं, इसका मतलब नहीं वो बहुत सरल आदमी। हाँ वो सरल है, वो सरल जो गुण है उनका कुछ कुछ भी काम में नहीं, वो सरल भाव जो है इसमें उसका भलाई भी नहीं होगा। इतना है कि समाज का जो भौतिक जो प्रभाव है उनको इतना सताता नहीं है, समझ रहे हैं ना, कोई गाली दे दिया कुछ हो गया उसको सताता नहीं है, जीने के लिए थोड़ा आराम, कुछ दिन सुख में उजी जाएगा, इसका मतलब नहीं उसका भलाई हो जाएगा। सब सरल आदमी भक्त नहीं होते, लेकिन जो भक्त होते उनको सरल होना चाहिए। सिंपलिसिटी इज वैष्णवी जी, हम लोग का यही एक ही गुण होना चाहिए, सरल, एक सरल स्वाभाविक जो सरल भाव है ना, वो अगर अंतर में आ गया ना तो वैष्णव का जितना दूसरा गुण है ना उस आ जाएगा ऑटोमेटिक। और वो सरल भाव नहीं है ना, जो जितना दूसरा गुण है ना वो धीरे धीरे हट जाएगा, सिंपलिसिटी। तो सरल क्या है, बाहर लोग का सरल भावना क्या है, जो बोलते हैं मान लेते हैं, हम बोलते हैं सरल है। सरल क्या है बाहर दुनिया में, सरल क्या बोलते हैं, तुम जो बोलो वो यस मैन बन जाते, यस यस, तो हम बोलते हैं ये बहुत सरल है। नो बोलते तुम बोलते नहीं ये सरल नहीं है।
यस बोलते तो हम सरल बोलते, लेकिन इधर क्या होता है, इधर जो सरल भाव है, हमारे गुरु जी कहा करते थे अनफ्लिंचिंग फेथ इन द वर्ड ऑफ साधु एंड गुरु एंड शास्त्र, इसको सिंप्लिसिटी सरलता भाव ही होता है, अतुट विश्वास होता है शास्त्र साधु और गुरु, इसको सरल। मोबाइल जिन जिन लोग भक्त लोग का पास है उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, मैं यही बोल रहा था तो आ गए नरोत्तम दास ठाकुर से इधर चले आए, तो सरल थे ना दो बच्चे जो छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए संकल्प कर दिए दोनों अगर भक्त बन जाएंगे तो कितना सुंदर होगा, उनका जीवन सफल हो जाएगा, इतना संकल्प करने की वो कर लिए ना, उसका बाद ही तत्क्षण दोनों भाई गए गंगा नहा, गंगा में नहाए और दोनों आए और नरोत्तम दास ठाकुर जी को बोले तो हमको चलाओ ना, हमको मंत्र दो। देखो कितना ट्रांसपेरेंट, अंग्रेजी में बोलता है ना, हिंदी में क्या बोलता है, ट्रांसपेरेंट हो गया, क्या बोले, बदला नहीं, ट्रांसफर है ना, पारदर्शी। अच्छा मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, ये ज्यादा साहित्यिक साहित्यिक शब्द हो रहा है, ये बिल्कुल अंतर से जैसे बोलते हैं ना, दिल का बात दिल में घुस जाता है, समझ रहे हैं ना, ये हार्ट ट्रांसपेरेंट होता है, एक भाव स्थानांतरित, आपका अंतर में जो भाव है ना वही भाव उदित हो जाता है, समान मनोभाव आ जाता है अंतर में, इसको ट्रांसपेरेंट हम स्पिरिचुअल में से ले सकते हैं, जैसे जो संकल्प हम कर रहे हैं ना वही संबल का भाव चेला के अंतर में उदय हो रहा है, वो सोच रहा है कि वो अगर भक्त बन जाए और चेला का अंतर में वो भाव आ गया कि मैं दिखा लूंगा, ये कृपा का स्वरूप होता है, आचार्य की कृपा का स्वरूप होता है, तो हमारे परंपरा में कृपा ही प्राधान्य है। हम लोग का यही प्रॉब्लम होता है, हमारा समस्या यही है कि हम लोग बचपन से हमारा पिताजी माताजी और हमारा समाज हमको यही सिखाए हैं, जटिल कैसा बनना है, कपटी कैसा बन, यही है ना, और क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, आपका आप लोग का जो एजुकेशन सिस्टम, मैथमेटिक्स जो है, साइंस जो है, इसका मतलब क्या है, आप कुकेट नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, बुरा मत मानिए, आपका पढ़ाई अच्छा है, वो काम में कंस्ट्रक्शन काम में लगता है, लेकिन ब्रेन तो कुटिल हो जाता है ना, हर समय क्यों 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 सब सब चलता है, तो वही जो पढ़ाई है, संस्कृत पहले जमाने में संस्कृत था, लोग खेती बाड़ी करते थे, जो पढ़ाई करते थे उसमें इतना नहीं था, आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कंपटीशन वगैरह है, जो भी कुछ है ना, हमारा फाउंडेशन डाल दिया गया है कपटी में, सब सबको सबका साथ प्ले करते हैं और एजुकेशन भी हमारा साथ प्ले कर रहे हैं। कपटी बनना है ना तुमको, नेट में इधर डाउनलोड करो, डाउनलोड 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 करके तुम्हारा डाउन हो जाएगा सब। ये डाउनलोड करो, इसको पढ़ाई करो, इसको पढ़ाई, ब्रेन कितना सरल रहता है, जो छोटे बच्चे थे पढ़ रहे थे ए बस ए बी बी, टीचर बोल देते हैं ठीक है 1+1=2, कितना सरल था, अभी जो पढ़ाई वगैरह शुरू है तो सब कपटी हो गए, तो सरल आदमी का, सरल आदमी का दिमाग में ये सब घुसेगा नहीं, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है घुसेगा, कुछ भी नहीं घुसेगा, उनको चतुर होना ही पड़ेगा, और वो क्या होता है, वो जो इंटेलिजेंट है ना वो एक्सपांड हो जाता है और ब्रांचेस बहुत शाखा हो जाता है, सब समय इधर क्यों नहीं हो रहा है, उधर क्यों नहीं हो रहा है, उधर क्यों नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम अगर भक्त पथ पर आ जाता है ना वही माइंड आ जाता है, सब चीज को हम पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, नहीं ये फोर्थ डायमेंशन का चीज होता है, हमारा गुरु जी क्या करते थे, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल फील्ड, डिवोशनल लाइफ इन फोर्थ डायमेंशन, इधर तो थ्री डायमेंशन चीज होता है, इधर जितना चीज है थ्री डायमेंशन, समझ रहे ना, थ्री डायमेंशन का मतलब क्या है, एक लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई, तीनों होता है, चौथा क्या है, क्या दिल्ली में कोई चौथा चीज है क्या, कैपिटल है इंडिया का, आप सोचेंगे इधर चौथा चीज, इधर कुछ नहीं है, सारे दुनिया में तीन है, सारे दुनिया में तीन, थ्री डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन नहीं है, स्पिरिचुअल है फोर्थ डायमेंशन, स्पिरिचुअल लाइफ फोर्थ, हम कहां से अभी थ्री डायमेंशन को छोड़कर हम फोर्थ डायमेंशन में आए, कुछ पता नहीं, तो हमको, हम समझ रहे हैं ना, हम किस पथ पर चल रहे हमको पता नहीं, पता है आपको, कोई बोल सकते गलत वृंदावन कहाँ है,
दिल्ली कहाँ है आप बोल सकते हैं, यूनिट 8 इधर है उधर है, ये नगर रहे द्वारका है, आप बता सकते हैं ना, क्यों आप गए हैं ना, तो हम द्वारक हम गोलोक वृंदावन में क्या है हमको पता है, पता नहीं है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हम गोलोक वृंदावन जाएंगे, कैसे जाएंगे पता है, कुछ पता नहीं, देखो कुछ भी पता नहीं हम लोग को, लेकिन फिर पंडित बन जाते हैं ये हमारा पथ है, हमको कुछ पता नहीं है लेकिन पंडित है इतना, ये परंपरा, ये सबसे ये डिवाइन क्वालिटी है ये परंपरा की, हम लोग को कुछ भी पता नहीं होता है लेकिन सब लोग महाराज बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, क्यों बोलते पता है आपको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एक परफेक्ट पर्सन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर का जो नौकर होता है उनको कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन वो चले आते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर का जो भवन है वो निकल कर चले आते हैं ना, लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का चेला है, उनको सब कुछ पता है, उनको कुछ पता नहीं है लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पास रहता है ना, ऐसे हम लोग हैं। ये फॉर डेमोनेशन की चीज होता है, होली नेम करने से कैसे हम शुद्ध हो जाएंगे, कैसे भगवान के पास जाएंगे, कैसे होली नेम फुलफिल आवर ऑल डिजायर्स, हमको कुछ पता नहीं, ये फॉर डेमोनेशन का चीज है, लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं किन लोग को, आचार्य लोग, समझ रहे हैं ना, जैसे हम अंधे हैं तो अंधे है ना, तो अंधे मानो कितने अंधे लोग हैं तो वो फॉलो कर रहे हैं किसको, एक आंख वाले को, समझ रहे हैं ना, लीडिंग करने वाले कौन है, तो अंधे का क्या नुकसान होगा, हा? तो अंधे ऐसे बात बोलेगा ना, आंख वाले जैसे बात बोलेंगे, क्योंकि उनका फ्रंट में जो लीडर है ना वो आंख वाले हैं, समझ रहे हैं ना, हमारे गुस्से में लोग, हमारे आचार्य लोग, हमारा परंपरा ऐसे है, वो आंख वाले हैं, हम लोग कौन है, हम अंधे हैं, अगर हम आंख वाले हो जाएंगे है? हम गड्ढे में गिरेंगे, आंख वाले होने से गड्ढे में गिरेंगे, अंधे हो जाएगा तो अच्छा है अब अंधे नहीं है, अंधे नहीं है तो पहले क्यों बोलते हैं वो ज्ञान ति मेरा अंधस्य ज्ञान, देखो हम कैसे अंधे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं अज्ञान ते मेरा अंधस्य ज्ञान, ये कितना सुंदर, हमारा मंगलाचरण जो है ना, हमारा जो मंगलाचरण है, हम जो मंगलाचरण पढ़ाई कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें संसार में सब तत्व है, इसमें गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है, ओम ज्ञान ते मेरा अंधस्य ज्ञानंजन सलाग चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे न, हम आंख खोल देते हैं ना बीच बीच में इसलिए झमेला हो जाता है, आंख बंद करके रखना है और हर दिन आना है, हर दिन प्रभुपाद जी को बोलना है चक्षुदान दिल जी, इसका मतलब समझ रहे आप, जब गुरु पूजा हो रहा है तो चक्षुदान मिल रहा है, गुरु पूजा का बाद प्रभुपाद को बोलना चाहिए आंख बंद कर दीजिए अच्छा है, तो आंख बंद हो जाएगा तो अच्छा है, मैं आपको फॉलो करूंगा, फिर अब आंख खोल दूंगा तो फिर मरूंगा मैं, गड्ढा में गिरूंगा, यही बात पर हम चर्चा हो रहा था कि हम फॉलो कर रहे किसको, परफेक्ट आदमी को, पहले ये विश्वास हमारे अंतर में रहना चाहिए, परंपरा की जो मर्यादा है, परंपरा की जो आचार्य है, परंपरा की जो शिक्षा है, इन पर जिनका विश्वास नहीं है, जो टिक्कर नहीं रहता है, वो तो जी नहीं सकते, वो आंख वाला हो जाएंगे, आज तो ज्यादा आंख वाले हो गए, अंधा ज्यादा नहीं है, इस रिसर्च करके कहां गूगल में कहां किताब में आंख नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना, आंख ऐसे नहीं मिलता है, आपको ज्ञान हो गया इसका मतलब नहीं कि आपको सब कुछ पता हो गया, नहीं, ये अप्राकृत ज्ञान होता है ना, तेषां अनुकंपार्थम अहंग ज्ञान जतम अनाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्यते, भगवान गीता में बोले है ना, इस श्लोक है ना, उसका ऊपर श्लोक क्या है, तेषां सतत युक्तानं भजतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, तो अर्जुन युक्ति कर रहे हैं कि आपका जो भक्त होता है, चक्रपाद ने कमेंट्री में लिखा, आप पढ़ लीजिए, मैं तो बहुत दिन से पढ़ा था, चक्रपाद ने कमेंट्री में लिखे, क्या भक्त को ज्ञान का जरूरत नहीं होता है, तो सिर्फ क्या प्रीति पूर्वकम, इसे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीति पूर्व भजतम प्रीति पूर्वकम, तो भजन, भजन का एडजेक्टिव क्या रहा, विशेषण कहा रहा, क्या हुआ, कैसे भजन करना चाहिए,
तो भजन का मतलब क्या है? दो है, प्रीति पूर्वकम भजनम, प्रीति पूर्वकम सेवा। समझ रहे हैं ना? तो भजन जो करना है प्रीति पूर्वक करना है, और सेवा भी प्रीति पूर्वक करना है, तब क्या होता है? तेसम नहीं, उसका ऊपर तेसम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अचतम। भगवान बोल रहे हैं अज्ञान अचत, जब तक तो कृपा नहीं मिला है ना, इसका अज्ञान है, इसलिए हम थ्री डायमेंशन का भीतर है। फोर्थ डायमेंशन नहीं, फोर्थ डायमेंशन चीज रिवील होता है, ये बुद्धि का परिसर में नहीं है ना। तो कोई चीज का, जैसे ये एक ग्लास है ना, लंबाई और क्या चौड़ाई और क्या ऊंचाई, तीनों है ना। फोर्थ इसको सोचिए, चौथा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? आपका बुद्धि पकड़ में आता है? जो बुद्धि का पकड़ में नहीं आता है तो हम, वो क्या होता है? वो अगर एक ग्लास अगर कुछ रिवील हो जाए उस शेप में, तब तो हम सोच सकते हैं। हाँ, हमारे बुद्धि से वो नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? इस जगत में कोई भी चीज होता है ना, थ्री डायमेंशन की चीज होता है, और हमारा बुद्धि कभी फोर्थ डायमेंशन निकाल नहीं सकता उस चीज से। अगर वो चीज फोर्थ डायमेंशन हो गया तो हम पकड़ सकते हैं। ये वस्तु धर्म होता है ना, इधर जितना भी चीज होता है थ्री डायमेंशन का होता है। हमारा बुद्धि कभी फोर्थ डायमेंशन सोच नहीं सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, स्पिरिचुअल जो भी दिख रहा है, देखिए तुलसी देखिए, वैष्णव देखिए, भागवत देखिए, गंगा, ये सब फोर्थ डायमेंशन, ये सब रिवील होते हैं। कब रिवील होते हैं? कोई क्वेश्चन करेगा, कब रिवील होते हैं? भाव स्तर पर कंप्लीट रिविलेशन होता है, जब भाव बन जाते हैं ना, भाव स्तर पर पूरा कंप्लीट रिविलेशन हो जाता है भगवान का। चित जगत कैसे है, आप इस जगत में फिर भी रिविल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लीला भी रिविल हो जाता है। उससे पहले वर्ष को दिखाइए, वर्ष तेसम एव अनुकंपार्थम अहंग ज्ञान जतमा नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत, मेरा कृपा अनुकंपा। ये जो वर्ष है, इसके पिछले वर्ष में सत लिंक है, तेसम सतत युक्तानम भजतम प्रीतिपूर्वक, जो प्रीतिपूर्वक सतत भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उनको रिवील होता है। सेवा से रिवील होता है, प्रीतिपूर्वक सेवा करना चाहिए और प्रीतिपूर्वक भजन करना चाहिए, तब क्या होता है? अनुकंपार्थम। तो हम वो जो रिविलेशन होता है किसका पर डिपेंड करता है? प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वकम कैसे? प्रेम से भजन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अगर ये बर्डन हो जाता है होली नेम स्विस्टन राउंड, हम सोचते हैं बहुत बड़ा बर्डन है। ये प्रीतिपूर्वक नहीं हुआ है। कितना स्टेज है ना चैंटिंग करने का, कितना स्टेज होता है। तो ये स्टेज एक स्टेज आ जाता है जब सोचते हैं सोलो माला कब खत्म होगा। ये सबसे मेरा बर्डन है, सोलो माला हो गया ना तो ये एक खत्म हो गया, एक बड़ा ड्यूटी खत्म हो गया। ये दिन भर ये पहाड़ की तरह मेरा मस्तक ऊपर है, सिक्सटीन राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है, सिक्सटीन राउंड कंप्लीट कंप्लीट हो जाता तो सोचते कंप्लीट हो गया। ये प्रतिपूर्वक भजन नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं, भजन आराम प्रेम से करना चाहिए। मेरा प्रभु जी का भजन, इसमें मेरा भलाई होने वाला है। होली नेम इज एवरीथिंग, हरि नाम सब कुछ है, सब प्रेम देते हैं, सब कुछ देते हैं, प्रेम भाव से होली नेम करना, नाम करना है प्रीतिपूर्वक, और प्रेम भाव से सेवा करना है। समझ रहे हैं ना? सेवा जो सेवा करते हैं लोग, देश का सेवा करते हैं और खाना पीने को देते हैं इधर ना, जो फूड फॉर लाइफ देते हैं। अब देखो किसको आप खिलाते हो ना, आपको पता चल जाएगा वो लोग जो जिसको खिलाते हो और जो खाते हैं ना, दोनों का प्रेम क्या है पता चलता है, पता चलता है कि नहीं। जैसे आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कोई करता है तो आपको सब्जी देता है, चपाटी देता है, थोड़ा फेंक देता है ना, आपको कैसे लगता है? वो क्या सेवा कर रहे हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, थोड़ा दे देते हैं, ऐसे पानी का ग्लास ऐसे दे देते हैं, थोड़ा जल्दीबाजी से कुछ कर लेते, आपको खराब लगता है कि नहीं? तो भगवान का हम सेवा कर रहे हैं ना, तो ऐसे करेंगे तो ठाकुर जी को पता चलेगा, उसका कोई प्रेम नहीं, तो रिवील नहीं होता है। स्पिरिचुअल चीज रिवील इसलिए नहीं हो रहा।
ये मन अलग है, इंद्रिय अलग है, शारीरिक वृत्ति अलग होता है, समझ रहे हैं ना? ये तो अलग होता है, ये तो शरीर का साथ है, शरीर का स्वभाव। लेकिन स्पिरिचुअल नेचर जो है, हम आए हैं अभी किस, हमारा जो अभी कनेक्शन है किसका साथ है? स्पिरिचुअल चीज का साथ है ना। सो ये शरीर तो बाधक होता है, लेकिन ये प्रेम बढ़ जाता है ना, तो स्पिरिचुअल चीज रिपील होता है। भगवान की सेवा, भगवान के भजन का प्रेम से भजन करना चाहिए, प्रेम से सेवा करना, जितना हमारा कैपेसिटी है, जितना हमारा सामर्थ्य है ना, प्रेम से करना चाहिए, तो रिवील होता है। कहां से इधर चले आए, कौन सा पॉइंट से इधर चले आए? हाँ, गोस्वामी लोग, ये जो आचार्य लोग की जो परंपरा है ना, कृपा की परंपरा है। और कैसे महात्मा लोग, अब चैतन्य भागवत में एक वर्ष में आपको दिखाऊंगा, तो ये शायद मंगलाचरण का बाद है, नहीं ये मध्य, नमस् त्रिकाल सत्रा सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अब देख लीजिए रेफरेंस में, चैतन्य भागवत में, तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, तो ये वर्ष उन्होंने बहुत सुंदर से लिखे नम त्रिकाल सत्याय। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उत्तर भारत में तो मुझे पता नहीं है, उड़ीसा में तो अभी चैतन्य महाप्रभु भगवान में उड़ीसा में पता चलता है, समझ रहे हैं ना आप? बंगाली में बोलेंगे तो बंगाली में डिबोडी लोग समझ लेंगे, नास्तिक लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उधर कोई निशान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ऐसे कोई स्पॉट नहीं है, समझ रहे हैं ना? है जहां है, तो भारत ओडिशा में तो बिल्कुल है, महाप्रभु का प्रेफरेंस है। चैतन्य भागवत में नमो त्रिकाल सत्य, तुम निकालो कहां है, मध्यखंड में, हाँ वो प्रभु जी कहाँ गए, वो बहुत एक्सपर्ट थे, हाँ कहाँ गए, हम नेपाल चले गए, अच्छा नमन त्रिकाल सत्य में कौन सा बोल रहा था, हाँ उड़ीसा में, पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण कथा। जगन्नाथ जी के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह आप देखते हैं कि नहीं? वो कोई निर्माण नहीं किए हैं, कोई बनाए नहीं है, जहां अंगूठिया चिन्ह है ना क्रोड़ी खम पर, ये द्वारा देश में भोग मंडप है, जो पिछले वाले भोग मंडप का जो अंगूठी का चिन्ह है, उधर ही चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह था। तो लोग पांव, लोग जब जाएंगे दर्शन करने के लिए, उनका पांव लगेगा कि नहीं, इसलिए राजा ने उसको ले आए, पूरा पत्थर को ले आए, तो उनको लोटस जैसा है ना डिजाइन बनाकर उधर ही रखे, उधर ही एक स्थान है। और झारखंड आप गए हैं, झारखंड जहां चैतन्य महाप्रभु है नृत्य किए थे, उधर है चरण चिन्ह, और महानदी का भीतर एक चरण चिन्ह है कटक कपास, महानदी का भीतर पत्थर का ऊपर, अभी तो बैरेज बना दिया है, पानी जाता है, और अलरनाथ पर है। त्रिकाल सत्याय नमो त्रिकाल सत्याय, जैसे वृंदावन में कृष्ण का चरण चिन्ह है कि नहीं, तब तो लोग विश्वास करते हैं, हाँ हाँ इधर है, छोटी बैठन में है ना, गोवर्धन में, वृंदावन में है। नमो त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च, जगन्नाथ मिश्र का लड़का, इसका बाद क्या है, साभृत्याय, जो सेवक है, चैतन्य महाप्रभु का सेवक थे, एसोसिएट्स थे, लेकिन वो एक शब्द उधर है, सपुत्राय। महाप्रभु कोई लड़का था, पुत्र था, महाप्रभु तो सन्यास थे, कौन पुत्र है, षड गोस्वामी सपुत्राय, हमारा आचार्य लोग लिखे। महाप्रभु उन लोग इतना प्रेम करते थे, पिता माता क्या प्रेम करेंगे, आपका पैसा दे देंगे शादी करेंगे तो ठीक, शादी तुम बोलो मैं शादी नहीं करूंगा तो गया पिता माता दुश्मन हो जाएंगे, हाँ ये ना,
वो संसार में कितना सुख में रह रहे हैं उनको पता है, फिर वो चाहते कि तुम भीतर घुसो, मैं जेल में हूं तुम बाहर में क्यों रहेंगे, तुम भी चले आओ, तुम भी घुसो भीतर, साथ में हम रहेंगे, मरेंगे तो साथ में मरेंगे, जिएंगे तो साथ में जिएंगे। यही है दुनिया, सब सोचते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस तुम ले जाओ। कोई नहीं बोलते कि तुम न्यू एक्सपीरियंस कुछ, कोई नहीं सोचते, सब सोचते मेरा एक्सपीरियंस तुम भी लो। सपुत्राय, महाप्रभु इतना प्रेम करते थे पुत्र आचार्य लोग, वृंदावन दास ठाकुर वो आचार्य लोग है ना, उनको पता है, उस समय को बहुत प्रेम करते थे महाप्रभु। पुत्र है तो सन्यासी महाप्रभु, लेकिन सड़ गोस्वामी डायरेक्ट डिसिपल है ना, पुत्र है, सपुत्राय इसी लिखा है। उसके बाद सकलत्राय, शक्ति जो है लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया जो है, सबको मैं प्रणाम करता हूं, ये शब्द मुझे अच्छा लगता है इसलिए याद आया मेरा। सपुत्राय, पुत्र जैसे थे छड़ गोस्वामी, रहते थे वृंदावन में, भजन करने तो कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु तो उन लोग का जीवन थे। तो हमारा संप्रदाय में मेरा एक प्रश्न है, इसका आंसर मुझे पता नहीं, आपको बताया गया? तो हमारा आचार्य में, हमारा आचार्य लोक में तो षड़ गोस्वामी से पहले तो भूगर्भ गोस्वामी थे कि नहीं, लोकनाथ गोस्वामी थे कि नहीं, उनसे पहले वो आए थे वृंदावन, तो महाप्रभु का बहुत क्लोज एसोसिएट थे जैसे लोकनाथ भूगर्भ। तो ये छह जो गोस्वामी है उनको हम षड़ गोस्वामी क्यों बोलते हैं, मेरा एक क्वेश्चन बार बार मेरा दिमाग में आता है। तो उनसे पहले तो भजन से वो लोग कौन नहीं है, तो उनको षड़ गोस्वामी, हम हमारा परंपरा में उनको षड़ गोस्वामी क्यों हम नहीं बोलते हैं, गोविंद ने बोला है। कृष्णदास कवरेज गोस्वामी देख लो क्या बोले, हर समय यही बोलते हैं। आप रेफरेंस थोड़ा दिखा दीजिए, आपको वेदव्यास निकालना है, ये इसको डायरेक्ट आप सर्च कर रहे हैं ना, वेदव्यास है, अच्छा ठीक है। चैतन्य चतुर्थ आदि लीला 136-37 गुरु शिक्षा गु इच्छय शिक्षा निकले आप नहीं, आदि लीला 136-37 हाँ तुम आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, उनको दे दो जल्दी जल्दी निकालेंगे। नहीं नेट में काम नहीं करेगा वो, डायरेक्ट जिसका बस वेदव्यास है ना उसको, हाँ वेदव्यास डायरेक्ट। इच्छय गुरु शिक्षा गुरु जयामा, इच्छय गुरु शिक्षा गुरु जयामा, तासोबार पाद पद्मे कोटि नमस्कार, तासोबार पाद पद्मे कोटि नमस्कार। इसका ऊपर जो है छह गोस्वामी का नाम लिए हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, और उसका बाद बोल रहे हैं कृष्णदास कवरेज गोस्वामी गोविंद की प्रेरणा से, वो नहीं लिखे है ना। तो हमारे आचार्य लोग जितने थे वृंदावन वासी थे उन ये जो छह भक्त है ना, छह चैतन्य महाप्रभु जो डायरेक्ट डिसाइपल सिक्स डिसाइपल्स है, उनको षड़ गोस्वामी माने, यही बोल रहे हैं ये छह गोस्वामी है। क्यों षड़ गोस्वामी, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर को क्या बोलते हैं हम, सेवेंथ गोस्वामी। तो अगर कोई बोलेगा तो किसे सेवंथ गोस्वामी हो गए, क्या बोलेंगे, आंसर क्या देंगे आप? षड़ गोस्वामी की टीचिंग्स का जो एसेंस है, सारा तिसार जो चीज है उनका मूड को कैरी कर रहे हैं, जैसे जो षड़ गोस्वामी है ना ये चैतन्य महाप्रभु का मूड को कैरी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अवॉइड, अंग्रेज में बोलते हैं अवॉइडिंग द मूड,
कल्टीवेशन कल्टीवेटिंग अवॉइडिंग में कैरी करते हैं। जो शिष्य होता है ना, शिष्य का यही धर्म होता है। गुरु जी का मनोभाव क्या है, प्रेम भाव से गुरु जी को सेवा करके, गुरु जी को प्रार्थना करके, हरि गुरु वैष्णव को प्रार्थना करके, वो भाव उनका अंतर में अवॉइड होता है। तो उसड़ को समय से महाप्रभु की शिक्षा पर अनुगत, बिल्कुल इधर उधर हलते नहीं है। और उन लोग को जो शिक्षा है, आगे वाली जो पीढ़ी है, जैसे हम लोग के लिए इस शिक्षा का प्रेरणा भी है, सारा के सारा शिक्षा प्रदान किए हैं। और परंपरा की जो आचार्य परंपरा की जो सिस्टम है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किए। जो हमारे जैसे टाइटल आजकल क्या बोलते हैं, भारत रत्न किसको देते हैं और क्या क्या सब देते हैं ना, वो ऐसे दे देते हैं। कोई लोग बढ़ते हैं ना, बढ़कर वो स्टडी करते हैं, वो क्या किए हैं देश के लिए, क्या किए हैं, ऐसे करते हैं ना। नहीं तो ये नहीं कि आ जाएंगे ब्रह्मचारी को बोलेंगे तुम भारत रत्न बन जाओ, ऐसे नहीं करेंगे। वो चाहे कितना पंडित हो, वो सोचता है देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका हैबिट कैसा है, वो कैसे आदमी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, सब स्टडी करते हैं ना। चाहे कर्मी दुनिया में देखो, कुछ स्टडी करते हैं। हमारा ऐसे है, मुझे षडगोस्वामी है ना, हमारा आचार्य लोग देखे हैं उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, और कैसे स्ट्रिक्टली चैतन्य महाप्रभु का भाव को पकड़े थे। षडगोस्वामी कभी इधर उधर नहीं, अपना भजन से बड़ा चीज होता है आचार्य लोग का भाव को पकड़ना। खुद का भजन तो हम जहां कहां भी जाकर कर लेंगे, समझ रहे ना, इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। ब्रज में जाना, भजन करना, खुद का काम आप कर लेते हो। आचार्य का जो भाव है उसको पकड़ना है, उसको उतारना है हृदय में, कैरी करना है और उसको प्रेजेंट करना है समाज में, ये तो बड़ा काम होता है। इसीलिए हम भजनानंदी को ज्यादा सम्मान देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और भगवान भी बहुत पसंद करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। भावांतर नहीं होता है, जैसे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो भाव है वो रिवील हो गए, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ा चीज होता है। खुद का भजन करना कहां भी आप कर लेते, इसमें क्रेडिट क्या है, बड़ा क्रेडिट नहीं है। कोई भजनानंदी बनना बड़ा क्रेडिट नहीं है। तो गुरु का जो भाव है, आचार्य लोग का जो भाव है, उसको अंतर में उतारना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए और उसको प्रेजेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक संप्रदाय, संप्रदाय शब्द कहां है, एकादश स्कंध में संप्रदाय शब्द है, मायावती के प्रसंग पर लिख रहे हैं, और दसवां स्कंध में संप्रदाय डायरेक्ट नहीं है, कमेंट्री में चक्रवाद लिखे हैं आप। दसवां स्कंध में गर्भस्तुति देख लीजिए, गर्भस्तुति में स्वयं समुद्र जब सुदुस्तर भवान, उस वर्ष पर है, स्वयं समुद्र सुदुस्तर भवान विवा भवार नवम, श्लोक देख लीजिए। संप्रदाय क्या है, समझ रहे हैं ना, संप्रदाय आप मानते हैं कि नहीं, संप्रदाय एक चीज है ना। तो इसका कौन सा संप्रदाय में है, ब्रह्मात्य गौड़ वैष्णव संप्रदाय में हम लोग है। तो क्या अभी क्या कौन 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 पंडित लोग बोलते हैं इसकन क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, हा? संप्रदाय नहीं है। अगर हम संप्रदाय नहीं होंगे तो गौड़िया में कोई भी संप्रदाय नहीं बनेंगे, तो बाबा जी लोग किस संप्रदाय हो जाएंगे। तो वो भी हरे कृष्ण कर रहे हैं, हम भी हरे, हमारा क्या फिर दर्शन में क्या अंतर है बताइए। आप तुम आ जाओ ना इधर, प्रभु जी उनको छोड़ दीजिए, वो आ जाओ। हाँ 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 हाँ, तो हम जो हरे कृष्ण कर रहे हैं किसका बात पर कर रहे हैं, हरे कृष्ण नहीं नहीं महाप्रभु की बात पर, प्रभुपद को पहले, वो प्रभुपद को मानने रहे, मान नहीं मान रहे ना हम, महाप्रभु की बात पर, महाप्रभु तो महाप्रभु कौन है, वो राधा रानी का भाव लगते हैं, महाप्रभु कौन है, राधा रानी है, तो हम तो मान रहे हैं। तो हम जो हरे कृष्ण कर रहे हैं, हमारा जो फिलोसफी है, महाप्रभु राधा रानी के भाव पर है, हमारा दोष क्या है।
तो गोड़ी मठ को क्या बोलेंगे? तो इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। तो उनको वो नहीं बोलते, हमको इंस्टीट्यूशन क्यों बोल रहे हैं? ये गलती है सोचिए। उन लोग जो काउंटर करते हैं ना हम लोग को, वो सोचते हैं इधर उधर, जिसे बोलते हैं क्या, कौन बोल रहे हैं कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं है, चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले हैं, बोले है ना, कौन कौन एक वीडियो निकाला है वो भेजा है मुझे, मुझे वो दिखा रहे थे, अचिंत्य भेदाभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं बोले, महाप्रभु डायरेक्ट बोले हैं कि वो चैतन्य चरता मत को प्रमाण नहीं मानेंगे। तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ शिक्षाष्टक बोले हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं बोले, क्या करेंगे उनको, कैसे काउंटर करेंगे? भाई देखो, हमारा जो षड गोस्वामी है, हमारे जो आचार्य लोग है, अगर गुरु जी कुछ नहीं बोले हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो का किसका डिसाइपल हुए? चैतन्य महाप्रभु का डिसाइपल हुए। अगर चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं बोले हैं, इसका मतलब हमारे जितना आचार्य हैं उनका एक मत कैसे हो रहा है? एक छोटा बात है, अगर गुरु जी कुछ नहीं बोले हैं, आप दस मान लीजिए महाराज श्री कुछ नहीं बोले हैं, तो आप बोले कि महाराज जी बोले, गुरु जी ऐसे बोले, दूसरे लोग मान लेंगे नहीं मानेंगे? अगर चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं बोले हैं, तो हमारे चाहे गौड़ी हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे हम इस्कन में, कोई भी हमारे गौड़ी संप्रदाय में, चाहे वो जो सहजिया लोग है, वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व पर कोई कमेंट्स किए हैं क्या? तो आप करने वाले कौन है? हमारा घर की बात है, तो हम तो सब मान रहे हैं, तुम कहां घुस कर बोल रहे हो कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं है? अगर महाप्रभु नहीं बोले तो कोई भी क्वेश्चन नहीं डाल रहे कि ये महाप्रभु नहीं बोले, ये फालतू चीज सब है, ये हमारा घर की बात, उनको कुछ भी पता नहीं है। गौड़ी का जो भाव है दूसरा किसको पता नहीं है? जो चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं है वो किस कुछ भी उनको पता नहीं है, भक्ति का बावजूद में इतना ही मान लीजिए आप। जो चैतन्य प्रभु को नहीं, चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते ना कलयुग में, इसका मतलब उनको ब्रजपुर में नहीं मिलेगा, राधा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, जब चाहे आप वृंदावन में रहिए, महाप्रभु महाप्रभु का ऊपर आपका अनुगत्य नहीं है, गौर नित्यानंद को आप नहीं मानते ना, वो तो राधारानी है ना, आप राधारानी को नहीं मान रहे, राधा प्रेम देने के लिए वो आए। जिनको गौर पता नहीं है, प्रबोधानंद सरस्वती का पढ़ लीजिए, मैं इसको नहीं नहीं बोलूंगा, प्रबोधानंद सरस्वती का जो चैतन्य चंद्रामृत है पढ़ लीजिए, क्या लिखे, क्या गौरांगा महाप्रभु का ऊपर क्या लिखे पढ़ लीजिए, गौरांग महाप्रभु को मानना चाहिए, वो राधा है ना, उनका डायरेक्ट डिसाइपल कौन है? षड गोस्वामी है, ये वर्ष में देख लीजिए, भवत पदाम्ब रुहवत्र रुहावत मत्र नाम ते निधाय जाता सदनुग्रहा भवान। ईश्वर कमेंट प्रपद प्रपद में क्या लिखें, ये सिद्ध स्वामी का कमेंट्री है, ये संप्रदाय है, कमेंट्री दिखाए, कमेंट्री दिखाए, इसमें देख लीजिए, कमेंट्री में आप पढ़ लेंगे, मैं रेफरेंस देता हूँ, आप और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए कमेंट्री में, इसमें लिखे हैं आचार्य परंपरा, गुरु आचार्य पूरा परंपरा, इसमें परंपरा के सिस्टम लिखे हैं, ये पूरा सिद्ध स्वामी की कमेंट्री है। तो आचार्य लोग भगवान को, देवता लोग यही प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? जो भव सागर है वो भी भवार नवम, बहुत खूब सागर तरने के लिए क्या जरूरत है? नाव की जरूरत है, नाव की जरूरत है कि नहीं? नाव की जरूरत है, नाव की जरूरत है, तैरने वाले नहीं है, तालाब को तैर सकते हो, भवसागर को नहीं, तो नाव की गुरु कर्ण धारम, और नाव कौन है? संप्रदाय, संप्रदाय इस वर्ष पर लिखे हैं आचार्य संप्रदाय, देख लीजिए, दिस मेथड इज कॉल्ड आचार्य संप्रदाय, प्रभुपाद इमीडिएटली रेफरेंस दिए, इसी तो सबकी कमेंट्रीज है। तो आचार्य संप्रदाय जो है, और क्या होता है आपको पता है, नाव में जस जब क्रॉस करते हैं, एक दो साइड होता है कि नहीं, इस साइड में चढ़ते हो, एक साइड में उतरते हो,
ये परंपरा की इतना बड़ा मर्यादा है, कोई परंपरा की नाव पर चढ़ जाता है ना तो ये भवसागर सूख जाता है। तो हम लोगों का जाने का कोई जरूरत, ये चक्रवात लिख रहे हैं। जब सूख जाता है, जल सूख जाता है तब तो क्या पैदल में चला जाता है। नाव क्या करता है, हर समय नाव इस दिशा में रह जाता है, उस दिशा में नहीं जाता है। समझ रहे हैं ना, अगर नाव में वो उस दिशा में चले गए, गोलक वृंदावन चले गए, फिर नाव लेकर कौन आएगा, वापस कौन आएगा। जदगत निवर्धन थे तत्म परम, लेकर कौन आएगा। इसलिए आचार्य लोग इतना दयामय है, करुणा है, हमारा हमारे जो संप्रदाय इतना बुना फाइड होता है ना, परंपरा के ऊपर इतना महत्व हम देते हैं। परंपरा ऐसे ही शक्तिवान, परंपरा आचार्य लोग इतना ही शक्तिमान होते हैं, कोई भी परंपरा को मानकर बैठ जाता है वो नाव पर सूख जाता है जल, और नाव इस दिशा में रहता है, उत्तर उतर कर चला जाता है। तो हर दिन के लिए नाव किस दिशा में रहा, इस जगत में रहा। और इसमें कमेंट्री पर श्रीधर स्वामी लिखे हैं, चक्रवात लिखे हैं, यह संप्रदाय। और संप्रदाय का तात्पर्य, मैं एक पुराना आर्टिकल भक्तिदान सुसु ठाकुर का पढ़ रहा था, संप्रदाय क्या है। संप्रदाय में मंत्र आता है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, वो मार्केट में मिलता है और रिकॉर्ड में मिलता है। आप बोलेंगे मैं घर में हरे कृष्ण महामंत्र कर लूंगा, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हैं ना, इसमें धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, मुख्य तो नहीं मिलेगा। मुख्य मिलेगा तो अजामिल जैसे हो जाएंगे, तो अपराध कुछ नहीं करेंगे। नामाभास में क्या होता है, नामाभास स्टेज पर गए हो ना तब तो मुख्य मिलेगा, एट बेस्ट बहुत कम होते, परसेंटेज बहुत कम है। धर्म अर्थ काम मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगा। जब तक आचार्य परंपरा को हम स्वीकार नहीं करते हैं, भक्ति नहीं मिलता। तो नाम जो भक्तिदान सुष्टक रूपा जी यही बोल रहे हैं कि हमारा महाजन कितने लोग हैं, द्वादश महाजन है ना, स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि, उन लोग को तत्व पता है, हम लोग को कुछ पता नहीं। हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन तत्व पता नहीं है। महाजनो जेना, उसका पहले क्या है, उस धर्मस्य तत्वम निहतम गुहाया, धर्म का जो तत्व है वो गुहा। महाभारत देख लीजिए, महाभारत है और भागवत में दूसरा एक वर्ष है, क्या बोले, धर्मस्य तत्व निहितम गुहाया, कहां गुहा, कहां रहे हैं धर्म का जो तत्व है, कहां रहे, गुहा है बोल रहे हैं ना, कहां है महाजनों के पास। आपको भागवत में दिखाना है, अजामिल चरित, चलिए जहां अजामिल चरित में है ना, कहां से लिखना है, चैतन्य चैतन्य भागवत, चलिए सिक्स्थ कैंटो सेकंड चैप्टर, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकि वयम् द्वादश एते विजानीय धर्मम भागवतो भटम दुर्बुद्धम विशुद्धम गुह्यम। नहीं, थ्री नहीं, आप ऐसे नहीं, पूरे डायरेक्ट टाइप करना है। नहीं, लेक्चर में नहीं है वो, उस श्लोक में देख लीजिए, जमराज जी बोल रहे हैं, महाजन की बात सुन लीजिए, सबको पता नहीं, धर्म का तत्व से पता नहीं होता है। सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोल लेते हैं, प्रवचन देते हैं, सब समझ रहे हैं ना। आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, आपको बोलने का तरीका है, आप बोल लेंगे, आप इंटेलिजेंट आदमी है, पकड़ लेंगे शास्त्र को, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। धर्म से तत्व नीत गुआ है, और इसको मिलाना है भागवत में। द्वादश एते बीजा नियमम धर्मम भागवत भटा, ये भागवत जो धर्म है, भटा मतलब दूतगण, जमराज दूत लोग को बोल रहे हैं, मैसेंजर को बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हो गया। गुह्यम, देख देख लीजिए धर्म का क्या क्या लिखा है, देख लीजिए विशेषण क्या क्या लिखा है। गुह्यम
ये बहुत गुह्य ज्ञान है, विशुद्धम प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है। ये हमारा पकड़ में नहीं आएगा। इसके बाद क्या है? दुर्बुद्ध हम समझ नहीं सकते हम। यह है धर्म। कौन सा धर्म है? भागवत धर्म है। ये तीनों है, गुह्यम गुह्यम विशुद्धम दुर्बुद्धम। अगर कोई उसको जान लेता है, यद ज्ञान तो अमृतम स्नते है, जो ज्ञान लेता है ना इस संसार को तर लेता है, मृत संसार से तर जाता है। किसको पता नहीं, हमको पता है। तो इस, देखो ये बिल्कुल इनकार कर देते, दूसरे किसको पता नहीं है, हम द्वादश महाजन को पता है। द्वादश एते भी जानी मो, ट्रांसलेशन दिखा दीजिए तब तो सबको पता चलेगा। कोई पढ़ लेते, कोई सुन लेते, कोई बोल देते, सब बोलते हैं मुझे पता हो गया। आजकल यही है ना, यही होता है ना, यूट्यूब से सब सोचते हैं ये पंडित है, जैसे कितना फॉलोअर है, अच्छा प्रवचन देता है, ऐसा नहीं होता है। तुम बोल रहे हो अच्छा है, भगवान की कथा बोल रहे हो, महाजन की बात पता नहीं होता है। ये दुर्बुद्ध है, विशुद्ध है, वही है। देख लीजिए ऊपर उठा दीजिए, माय डियर सर्वेंट, कहाँ लिखा है, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड, बट इफ बाई चांस Someone fortunate understand it, he return home back to Godhead. Durbuddham Vishuddha Dvadas Ete hai. What meaning dekha, what meaning dekha dijiye. Dvadas Ete hai. Haan likha hai. Haan. 12 Ete Jap. Yes. Hum jo 12 aadmi hai na, humko pata hai. Dusre kisko pata nahi. तो अगर 12 आदमी को पता है, दूसरे किसी को पता नहीं है, तो धर्म है तो पता कैसे चलेगा? तो सिर्फ आप लोग को पता है, दूसरा किसको पता नहीं है, तो धर्म है तो क्या पता है, प्रमाण क्या है? तो 12 में आप भी एक है ना, दूत, ये जब दूत पूछ रहे, आप भी एक है ना, आप थोड़ा बता दीजिए ना, हम भी पंडित हो जाएंगे तो आप बता दीजिए। तो बोले ठीक है, इतना दिन मारपीट किए हो, मेरा काम किए हो, तो मैं बताता हूँ, लेकिन दूसरे किसको मत बताओ। लेकिन वो लीक हो गया, क्वेश्चन जैसे लीक होता है ना, लीक हो गया। हमारा जितना स्टडी है ना, हमारा जितना सिद्धांत है ना, सब लीक हो गया। ये भावुक में नहीं बोल रहा, ये सत्य बात है। सब बोलते किसको मत बताओ, मत बताओ। उद्धव ठाकुर जी ने बोला है ना, इसको बोलना नहीं। अर्जुन को बोला है ना गीता, मत बताओ। तो मत बताओ, अभी देखो पब्लिक में हम बता रहे हैं, सब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन कर। अरे कृष्ण बोले हैं इसको मत बताओ, तो वैष्णव को पता नहीं था, वो तो भावावेश में लिख लिया। ये सब लीक हो जाता है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कैसे लीक होता है, कैसे लीक? टीचर, टीचर का स्टूडेंट जो होता है ना, टीचर बहुत प्रेम करता है। आजकल पैसे के लालच में, पहले जमाने में हमारा जो लीक होता था ना, हम टीचर के पास था ना, वो टीचर हम बता देते थे। हम बहुत सेवा किए ना, उनका बहुत कपड़ा हपड़ साफ करते हैं, उनके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो बोले वो सिलेक्शन देते, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोल देते हैं। और 2-3 दिन से पहले क्वेश्चन पेपर आ जाता है, वो बोल देते हैं सिलेक्शन में दे देता हूँ, वो सिलेक्शन में 20 सिलेक्शन में 2-4 क्वेश्चन वो ऐड कर देता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो सिलेक्शन में आप अगर वही इसको प्रिपेयर हो गए ना, तो फर्स्ट क्लास। लेकिन लीक, जब भी लीक होता है पेपर, टीचर से लीक होता है। क्वेश्चन पेपर जो लीक होता है टीचर, टीचर किसके लिए लीक करता है? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट है हमारा, ऐसे हो गया। जितना धर्म तत्व है ना, ये भावुकता नहीं है। मैं बट कब कब कोई सत्य बात है, इतना अंतरंग जो चीज होता है, कोई किसको बोलेगा? कोई नहीं बोलता है। लेकिन इतना प्रेमी होते हैं वो आचार्य परंपरा, हमारा गौड़ परंपरा ऐसा होता है ना, वो गुरु जी के पास ऐसे नीछावर कर देते हैं जीवन को, इतने रिच जाते हैं गुरु जी, इतना रिच जाते हैं, बोलने का इच्छा नहीं है, फिर बोल देते। जैसे रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का जो मिलन है, वो जो टफी के क्या हो गया, संसार में सब तत्व उधर बोल दिए, राय रामानंद और महाप्रभु का बीच में ऐसा है, तब तो बोले ठीक है। हम तो आप लोग का सेवक है, थोड़ा बता दीजिए ना। तो आप
द्वादश आदमी को पता है, इसका मतलब आप कितना भी गंदा आदमी हो ना, महाजन का अनुगत में रहना चाहिए। देखो जमदूत को, अभी जमदूत को जो जमराज ने बताया ना वो लीक हो गया, अभी हम वही कर रहे हैं। उसका बाद दूसरा श्लोक देखिए, ऊपर उठाइए, ए ए भागवत का, एतवान लोकास्मि पुंस धर्मा परस्मृत भक्ति जोगे भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। देखो ये किसके लिए बोले थे जमराज ने, दूत के लिए बोले थे। दूत ने बोले ठीक है आपको पता है तो धर्म है, प्रमाण क्या है ना, हमको पता है तो आपका पास धर्म है तो आप बोल दीजिए, तब तो हम प्रमाण मानेंगे। आप बोलेंगे जैसे लोग बोलते हैं भगवान क्या है मुझे पता है, तो बोलिए नहीं नहीं बोल नहीं सकता इसको बोल, अरे तुम है तो बोलो ना, इसका मतलब बिल्कुल उसके भीतर कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ भी नहीं है, समझ रहे ना, ऐसे है ऐसे। तो बोले ठीक है धर्म आपके पास आपको पता है तो बोल दीजिए ना, क्या धर्म है। तो बोले दिखाए ना ओरिजिनल कुछ दिखाए ना, हाँ ईतवान है लोक अस्मिन पुंसा धर्म परस्मृतः, ये संसार में लोक अस्मिन पुंसा वर्णाश्रम सिस्टम कुछ नहीं है इधर, पुंसा कोई वर्ण कोई आश्रम के लोग के लिए, ये परस्मृतः वेद का ये निर्जा से, देखो वेद का निर्जा से रिपीट कौन कर रहे हैं, महाजन रिपीट कर रहे हैं, आचार्य जवान पुरुष वेद, वो लोग क्या संप्रदाय के ऊपर बातचीत करेंगे, वो जो बोल रहे हैं ना उनका संप्रदाय में भेद है, उनका आचार्य का स्टेटमेंट पर भेद है, हमारा आचार्य का स्टेटमेंट पर कभी भेद नहीं, इसलिए हमारा हमारा संप्रदाय बोनाफाइड है। क्या बोलते हैं पंडित जी, हमारा जो संप्रदाय में तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी षड गोस्वामी बलदेव विद्याभूषण भक्ति विनोद ठाकुर, हमारा आचार्य का भीतर कोई आचार्य का ऊपर कमेंट लिखे को कमेंट दिए कोई नहीं, तो कौन किसका बोना फाइट होता है, वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, 0% भी पता नहीं गौड़ीय संप्रदाय क्या है, वो लोग क्या बोले। तो आप भजन कर रहे हैं आप भजन करो, हम क्या कर रहे हैं हमारा बात पर आप क्यों ध्यान देते हो, हमारा बात पर आप क्यों ध्यान देते हो, इसका मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो दूसरा किसका बिजनेस नहीं हो रहा है तो वो बोलेगा ओ ऐसा है डुप्लीकेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो करप्शन कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है आजकल हो रहा है, जो इसके उनका ऊपर कमेंट दे रहे हैं इसका मतलब क्या, समझ रहे हैं ना, उनका कमाई नहीं हो रहा है इसलिए कमेंट देते हैं। भाई तुम कोई डिबेट का बात बोलो, कोई डिबेट ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसकन का ऊपर कुछ मत बोलो, प्रभा जी का संप्रदाय का ऊपर कुछ मत बोलो, हमारा संप्रदाय इतना बोनाफाइड है हमको पता नहीं हमारा संप्रदाय क्या है, हमको सिर्फ इतना पता है हमारे जो गुरु आचार्य लोग आए हैं ना सब एक चैन जैसा, चैन बोलते हैं ना क्या हिंदी श्रृंखल है, चैन चैन देखे हो ना जंजी कड़ी, कड़ी में कैसे कैसे रहे आप, इधर घुमाए इधर घूम जाएगा, इधर घुमाओ इधर घूम जाएगा, कड़ी में अगर कभी भी क्या बोलते हैं गांठ दृढ़ भी नहीं तो आराम से खोल देते, हमारा आचार्य का सिद्धांत में अगर घंटी थोड़ा है ना क्या बोले गांठ है ना आराम से खोल देंगे हम, कमेंट्री इसलिए लिखे और घुमाओ किसी दिशा में घुमाओ छोड़ते नहीं, कड़ी देखो है ना चैन घूमते हैं, हमारा आचार्य लोग ऐसे कभी अलग नहीं है, मत कभी अलग नहीं है, और हमारे संप्रदाय को तुम अंगूठ उठाने वाले कोई नहीं, और इसीलिए उनको सड़गोस्वा में हम बोलते हैं बिल्कुल, उनका जो सिद्धांत है मनोभाव है चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है और कंट्रीब्यूशन है सब एक शिकुली क्या बोलते हैं क्या बोले आप चैन जैसा है कड़ी जैसा ऐसे, इसलिए सड़ गोस्वामी वो लोग है, और गोविंद ने इसलिए इस, और इसमें प्रभुपाद क्या लिखा, अब ठीक है मैं बोल रहा था फिर आपको महाजन के बात बोलना चाहिए ना, भागवत से महाजन सुनना चाहिए। अच्छा ये जो श्लोक है ना क्या बोले भक्ति जोगे भगवती, जमराज बोल रहे हैं भक्ति जोग में भगवान की सेवा करना है भगवान की, और तत्नाम ग्रहण आदि भक्ति जोग में फिर क्या करना है, भक्ति तो विशाल है चौसठ अंग है, हमको क्या करना है, तत्नाम ग्रहण आदि भी नवदा भक्ति करना है, और इसमें मुख्य है हरिनाम,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और एक देखना है आपको महाजन की, देखिए महाजन की बात है ना, दुर्बुद्धम विशुद्धम गुह्यम यद गंत्वा मृतम स्मृते। महाजन के सिवा दूसरा किसको पता नहीं, हम तो महाजन नहीं है, समझ रहे हैं ना, हम जो बोलेंगे वो महाजन बात को हम रिपीट करेंगे, समझ रहे हैं, हमारा काम ही है। इसलिए महाजन के ऊपर हम कभी कमेंट नहीं देते, वो जो बोले हम ऐसे बोलते। सत्वर स्कंद जाइए, ऐसे ही इतवाने वो लोक में ऐसे ही ठीक ऐसे ही वर्ष प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, पुंस धर्म पर स्मृत सर्वत्र तद क्षण अश्रु बालक को सिर टपिक। सत्वर स्कंद में वो प्रभु जी कहाँ गए, वो अच्छा उसकी जरूरत है ना, चले गए कहाँ, उनको बुलाओ जल्दी, नेपाल में क्या करेंगे फिर, नेपाल में क्या करेंगे उधर, 77 देख लीजिए प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, ऊपर वर्ष देख लीजिए, ऊपर समान की नहीं सैम जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ है। असुर बालक लोग बोल रहे हैं एकांत भक्ति गोविंदे, उधर भक्ति जो का भगवती एकांत भक्ति गोविंदे हो गया ना, जत सर्वत्र तदीक्षण हर जगह पर भगवान को दर्शन करना। जितना महाजन का स्टेटमेंट है सुनेंगे आप, अगर द्वादश महाजन का स्टेटमेंट सब भागवत में है, जितना महाजन का स्टेटमेंट भागवत में है सब मिला दीजिए एक है, और ऐसे सड़क गोस्वामी का जो टीचिंग्स है ना सब मिला दीजिए एक है, अनुगत्य है ना, चेंजेस आए पूरा भाव। आचार्य गुरु गुरु जी का भाव को शिष्य का ही होता है जीवन में, जीवन का तप वो सेवा करके प्रार्थना करके गुरु जी का जो अंतर का जो भाव है उसको उसको धारण करता है, तब ज्ञान वैराग्य जो भी है भक्ति महाराण के जो अंग है भक्ति महाराण सब उन्नीत होते हैं। जो संप्रदाय क्या है कि जो महाजन की जो बात है ना, समझ रहे ना, वो आचार्य एक परंपरा, हमारा परंपरा क्या है, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु, एक गुरु और शिष्य एक गुरु होते हैं महाजन, उसके बाद कौन है शिष्य होते हैं, उसके बाद कौन होता है शिष्य गुरु हो जाता है ना, हमारा जो परंपरा होता है गुरु गुरु शिष्य। देखो जो गुरु पहले कौन गुरु बने, कृष्ण, कृष्ण तो जगत गुरु है, उसका शिष्य कौन बने, तो ब्रह्मा जी जब गुरु बन गए तो अभी तो गुरु पोस्ट पर ब्रह्मा जी है लेकिन डिसिपल किसका है, तो रिपीट जो कर रहे किसका बात रिपीट कर रहे, तो हो बना कौन हो गुरु है या चेला है, गुरु पोस्ट पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं चेला का, ये कितना कठिन है काम पता है ना, ये हमारा संप्रदाय का मर्यादा है। नारद ब्रह्मा का ब्रह्मा जी का शिष्य कौन बने, नारद बने, अभी नारद हो गए गुरु, किसका गुरु व्यासदेव का गुरु बन गए, चेला किसका है, तो चेला बनते तो घुमा नहीं सकते हैं, चेना है ना इधर उधर घुमा नहीं सकते, किस क्या करते हैं गुरु जी का पद को रिपीट करते हैं, यह परंपरा सब गुरु बनते हैं लेकिन कोई गुरु कोई जो खुद का जो गुरुत्व तो बोलते हैं खुद का जो पर्सनालिटीज है उसको गुरु नहीं बोलते, ये मेरा है, दूसरा संप्रदाय में ये है, कोई भी संप्रदाय वाला आ जाए मैं उसको, मैं तो पंडित नहीं हूं, मुझे मेरा है तो कैसे कैसे उनको बोलना है मुझे पापा जी ज्ञान दे देते हैं उसको कैसे बोलना है। अरे भाई देखो कोई भी देखो दूसरा संप्रदाय में देखा हूं मैं सुना हूं कुछ कुछ बात, आप मत सोचिए कि मैं नहीं सुनता हूं, सुनता हूं कि हम लोग वो नहीं बोले हमको गद्दा बनाएंगे घुमा देंगे इधर उधर, उनका गुरु जो बोले है ना चेला नहीं बोलते हैं, चेला कुछ आड़ करके घुमा फेरा कर बोल देते हैं। हमारा संप्रदाय में हम इतना स्ट्रिक्ट है ना, हमारा गुरु जी ऐसे स्टोरी नहीं बोले ऐसा नहीं बोले हम नहीं बोलेंगे, कभी कभी हम बोल देते हैं ना तो बोलते हैं ये मेरा गुरुजी नहीं बोल रहे हैं आप लोग की प्रीचिंग के लिए मैं बोलता हूँ
निशम बोलना चाहिए। हम लोग वास्ट कप है हमारा परंपरा सिस्टम का ऊपर, और दूसरा जो परंपरा है उसे मत निकाल देते हैं। कौन सा परंपरा में क्या क्या घुसे हैं सो इन्फॉर्मेशन है। मायावाद किसमें किसका परंपरा में घुसे हैं, किसका परंपरा में जाति का प्रथा घुसे हैं, उनका आचार्य का नहीं था, आचार्य सिस्टम में नहीं थे, उनका पूजा पद्धति जो है ना वो भी इधर उधर हो गया है। कौन सा संप्रदाय में उसका उसका क्या बोले डेट भी पता है, कौन सा डेट में कौन सा आचार्य ने सिस्टम को घुमाया है। हमारा आचार्य लोग क्योंकि हमारा संप्रदाय को संरक्षण करने के लिए हमको क्या करना है, अगर डिसिप्लिन को दिखाना है ना, देखो दूसरा दूसरा संप्रदाय में ऐसे ऐसे जो मूल आचार्य ऐसे थे उसका बाद घूमते 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 देखो सब घुमा घुमा कर क्या हो गए। देखो शंकरपंथी का हालत, शंकराचार्य क्या बोले थे अभी क्या हो गया, कितना शंकरपंथी हो गए। अरे मायावादी में स्प्लिटिंग हो गया है, तो हमारा संप्रदाय में क्या हो गया, एक है। तो अगर इस कण से निकल जाएंगे ना फिर कहां आश्रम बनाएंगे, वही हरे कृष्ण बोलेंगे और दूसरा कुछ नहीं बोल सकते हो। और क्या करेंगे, हरे कृष्ण पूजा करेंगे, हरे कृष्ण करेंगे और क्या करेंगे। हमारा संप्रदाय में आने वाले जो है ना हमारे टीचिंग से ऐसा है, तो हमारा कोई गुरु नहीं है, समझ रहे हैं ना, सब शिष्य का भाव लेकर तो है, तो गुरु पोस्ट पर लेकिन भाव किसका है, शिष्य का। इसलिए हमारा संप्रदाय बना पाइडिया, क्योंकि दूसरा संप्रदाय में गुरु भाव प्रबल है, जिसे जगत गुरु बोलते हैं। हमारा कभी जगत गुरु नहीं लगता, हम बोलते हैं क्या, शिष्य, शिष्य भाव। इसलिए हमारा संप्रदाय जब शिष्य भाव रहता है तो डिसाइपल क्या गुरु से कुछ बात अलग करके बोल सकता है, इधर उधर घुमा सकता है। जब डिसाइपल नहीं रहता है ना तो गया, संप्रदाय का भाव टूट जाता है। इसलिए प्रभुपद बार बार बोले हैं, देख लिख कितना बार प्रभुपद लेक्चर में बोले हैं, बुक किताब में लिखे, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। फॉलो फॉलो फॉलो, शिष्य बन जाते हैं ना, अंधे फॉलो फॉलो कौन करते हैं। शिष्य का एक दूसरा नाम अंग्रेजी में क्या होता है, अरे का नाम है फॉलोअर। फॉलोअर क्यों होता है, फॉलो करता है, फॉलो कौन करता है, जिसका बुद्धि नहीं है वो फॉलो करता है। बुद्धि वाले फॉलो करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। तो आप आ जाए ना एयरपोर्ट से आ जाए, जिसका बुद्धि है वो बोलेगा द्वारका जाना है, इधर क्यों जाना है, घुमा, उसका बुद्धि है ना। तो हम तो गाड़ी में बैठे हैं, अगर हमको बोलेंगे कहाँ जाना है द्वारका, द्वारका रास्ता कहाँ है, इधर आओ महाराज, हमारा तो बुद्धि नहीं है, हम क्या करेंगे, वो जहाँ घुमाएंगे हम जाएंगे, हम बोलो रहा भी ड्राइवर अभी क्या है, वो तो मालिक हो गया है, उनका पीछे हम जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है ना। हमारे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हम ब्लाइंड फॉलोअर है। फॉलोअर ऐसे नहीं होते हैं, फिर फॉलो कर लेते हैं, डाउट करते हैं ठीक रास्ते में आया कि नहीं, क्या गलती कुछ हो गया क्या। हम ऐसे नहीं, हम ब्लाइंड फॉलोअर है। भावधर्म ऐसा होता है, ये कदम में लगेगा हम ब्लाइंड फॉलोअर कैसे, कौन सा लगेगा, ज्ञानस्तयो नर राजन न प्रमाद्येते कश्चित् धावल निर्विल्लवानत्रे न स्खलेत न पतत्यः। हम ब्लाइंड फॉलोअर है, हम कभी ये गुरु का स्टेटमेंट पर हम कभी नहीं सोचेंगे, गुरुदेव जो बोले ये सत्य, इसका पीछे क्या सत्य है कि नहीं, समझ रहे हैं ना, इसमें मेरा भलाई होगा कि नहीं। हाँ, ये भागवत धर्म पर है, इसे कमेंट्री पढ़ लेंगे कभी, सिद्धार्थ स्वामी का पढ़ लीजिए, ज्ञानस्तयोनरराज न प्रमाद्येत कश्चित् धावल धावन निर्विल्यवानेत्रे। दौड़िए, किस दौड़ना है, भागना है आपको, आंख बंद करके भागना, भाग सकते आप। देखो भागवत कैसे बोल रहे, ये परंपरा को, परंपरा का भाव को पकड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है, तब तो आप सड़कों से मिट्टी चीज को समझ सकते हैं। आंख बंद करके चलिए, आदमी का चलिए नहीं, क्या करना है, दौड़, आंख बंद करके दौड़ना है, दौड़ सकते हैं आप, तो बोलेंगे मैं गिर जाऊंगा, स्खलन हो जाएगा, स्लिपीज है,
स्खलन हिंदी में पांव फिसल जाएगा नहीं तो गिर जाएगा। बोलो नहीं, धावन न स्खलन न फतत। आंख बंद बंद कर अगर आप तोड़ेंगे ना तो फिसलेगा नहीं गिरेगा नहीं। और क्या बोल रहे हैं आप, ये हमारा संप्रदाय। आंख बंद करके जाना है, आंख खोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आंख बंद करके भागवत बोले हैं। तो खोलेंगे तो गुरु जी थोड़ा खोल देते हैं, जो ज्ञान देते हैं बस ये अच्छा है। धावल निर्विल्यवा नेत्र न स्खलित न पतत। हिंदी में उड़िया में बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं। आप किसको पूछिए ना तो मुझे जाना है, गांव में बोलते थे, आजकल तो इधर नहीं है, उड़िया में बोलते हैं। भाई रास्ता किधर है, कितना दूर है वो गांव? तो आग बंद करके सीधा चलिए। बोलते इधर बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो बोलने वाले समझ रहे हैं ना आप, हम तो आंख बंद करके नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आंख बंद करके चलिए, मतलब क्या है? उनको पता है, वो कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। भागवत यही बोल रहे हैं, आंख बंद करके चलना इसका मतलब यही है। इसमें कोई डाउट नहीं, 100% भी डाउट नहीं। माया का क्या काम क्या होता है? हमारा गलती है, हम कभी हमको डाउट नहीं करते, मैं परफेक्ट हूं। प्रोसेस में कुछ डाउट है, मां मंत्र शायद अच्छा नहीं, ये काम नहीं कर रहा है, चाहे संप्रदाय में कुछ अच्छा कुछ प्रॉब्लम है। आग खोलते हैं ना इसलिए मर जाते हैं। ये मरेगा इधर कौन? संप्रदाय में मरते हैं जो लोग आंख खोलकर देखना चाहते हैं। अंधा होकर सब कुछ करना है इधर, जैसे पुजारी सब कर रहे हो, अंधा है, प्रभु जी खा लो, प्रभु जी खाते कि नहीं? अगर हम सोचेंगे तो ऐसे ही कटोरी में सब कुछ है, खाते कि नहीं, क्यों कुकिंग करूंगा, तो गए मरेंगे हम। भाई खाओ ना खाओ, मैं क्या करूं, मेरा गुरु जी बोले हैं ना आपको खाना है तो खा लीजिए आप। हम ऐसे करते हैं ना, गुरु जी बोले हैं इतना बजे जगने के लिए, आपको जगा देता हूँ। वो जगते हैं कि सोते हैं हमको भी पता नहीं, नहीं कर रहे हैं। हमारा जितना प्रोसेस है ये सोलो माला हम कर रहे हैं, तो गुरु जी बोले हैं हम सोलो माला कर रहे हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ है। सोलो माला में स्ट्रेंथ नहीं है, सोलो माला या चौसठ माला या कितना माला भी करो, माला में क्या स्ट्रेंथ है? माला तो स्ट्रेंथ नहीं, मन तो प्राकृत है ना, जो गुरु संबंध से जुड़ जाता है ना तो बलवान हो जाता है। गुरु जी बोल रहे हैं ना, साधन का बल है, गुरु का आदेश, गुरु अनुगत्य सिंपल है, नहीं तो बल नहीं रहता। ये परंपरा की सोच क्या, परंपरा क्या है, जो अप्राकृत नाम शक्ति है ना, शुद्ध आचार्य की मात, जैसे हरि होली नाम है, होली नाम क्या अभी आपको पता होता है कि नहीं? होली नाम परंपरा से आएगी नहीं पता होता है ना, होली नाम पहले पता था, हरे कृष्ण महामंत्र सबको पता था, पता था ना, कुछ कुछ भी पता था ना, तो मच मछला में छोड़ रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे। गीता पढ़ने वाले माला करने वाले जो बूढ़े हो जाते तब बोलते हैं, बूढ़े हो गए कुछ धर्म करो, धर्म कर्म ऐसे बोलते हैं ना, डायलॉग लगाते हैं, तुम बूढ़े हो गए हो कुछ धर्म कर्म करो तब तो माला पकड़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। बूढ़े आदमी माला पकड़ते हैं, और प्रभुपाद ने ये जितना नौजवान है ना उसको सब बूढ़ा बना दिए, बूढ़ा है ना सब, आज गीता पकड़ते हैं और माला, और अभी मेट्रो में जाते हैं फ्लाइट में जाते हैं तो सब बूढ़े बन गए हैं। देखो युवक लोग वृद्धावस्था में जो धर्म करना चाहिए आज बालक लोग कर रहे हैं। तो जो मंत्र शक्ति है, गीता शक्ति है, भागवत शक्ति मैनिफेस्ट कैसे हुए? आचार्य परंपरा से, परंपरा से अप्राकृत जो शक्ति है, ट्रांसेंडेंटल। पहले गीता का शक्ति था लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, होली नाम का शक्ति था मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, जगत में जगत का भलाई में सबका काम में नहीं लग रहा था। परंपरा यही होता है, जो शुद्ध आचार्य होते हैं ना, अप्राकृत नाम शक्ति जो होता है, मंत्र शक्ति जो होते हैं, भागवत शक्ति जो होते हैं, वो प्रकट होते हैं और जीव को करुणा करते हैं। कितना जीव देखो आज हरे कृष्ण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कितना अनुभव कर रहे हैं ये मंत्र। हम भारतीय लोग हैं, मांस मछली प्याज लहसुन नहीं छोड़ते थे, हरे कृष्ण छोड़ दीजिए,
मुख में क्या था, इके चाह है परंपरा। गुरु परंपरागत सदुपदेश शिष्ट परंपरा अवतीर्ण उपदेश संप्रदाय। संप्रदाय का डेफिनेशन लिखे गुरु परंपरा आगत सदुपदेश। हम शिष्य बन जाते हैं ना, हम जो उपदेश देते हैं तो गुरु जी जो उपदेश दिए, ये सत उपदेश जो है उस शिष्ट परंपरा में आ रहे हैं, शिष्य परंपरा में, शिष्ट परंपरा में ये अवतीर्ण होता है। और गीता में देख लीजिए, कमेंट्री में है, व्याकरण में भरत लिखे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। बोलने वाले कौन है? कृष्ण है। एवं परंपरा, क्योंकि आपको सड़कों से भी टीचिंग जानने से पहले पहले परंपरा की शिक्षा जानना चाहिए। जिन लोग का परंपरा पर संदेह है वो लोग तो कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। मंत्र शक्ति तो आप परंपरा को संदेह कर रहे हैं ना, परंपरा आचार्य को संदेह कर रहे हैं। जो मंत्र करेंगे तो मंत्र में शक्ति नहीं आएगा, अप्राकृत शक्ति नहीं आता, इसलिए दीक्षा लेना पड़ता है। दीक्षा हम जब लेते हैं तो ईसा ने कि गुरु जी को वरण कर रहे हैं, अभी गुरु के माध्यम से संपूर्ण परंपरा आचार्य को वरण कर रहे हैं। परंपरा में देखो मंत्र में हम क्या पढ़ते हैं, गुरु वंदे अहम श्री गुरु सीता पद कमलम, गुरु गुरुदेव के चरण कमल, उसके बाद श्री गुरु वैष्णवांश, देख लीजिए कितना ये जो परंपरा है। ये वर्ष को आप थोड़ा डीपली सोचिए, गंभीर भाव से सोचिए, इमं परंपरा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्त, इमं या एवं, इधर इमं लिखा है ठीक है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्य। बोलने वाले कौन है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं परंपरा की क्या जरूरत है, तो अभी देखो कृष्ण बोल रहे हैं। अच्छा, कृष्ण अर्जुन को बोलने से पहले पहले किसको बोलते? सूर्यदेव को। सूर्यदेव और अर्जुन का बीच जो रहा, उसका बीच कौन रहे? परंपरा आचार्य लोग रहे कि नहीं? ज्ञान की परंपरा है, गीता की परंपरा है, राजर्षयो विदुः परंपरा है, परंपरा आचार्य से की। और आप देख लीजिए भागवत का परंपरा है, सबका परंपरा है। तो परंपरा आचार्यों का वर्णन कर, इसलिए गुरु परंपरा का तो सदुपदिष्ट शिष्ट परंपरा अवतीर्ण उपदेश अवतीर्ण होता है। हमारा जो ज्ञान होता है हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ये बहुत अच्छा बोलते, हम अच्छा बोलने वाले कौन है? वही गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान अवतरण हुए है ना हमारा भलाई के लिए, हम सिर्फ उसको ध्यान करते हैं, उसको पढ़ाई करते हैं, सेवा करते हैं और उसको ही बोलते हैं। परंपरा शिष्य प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण देते हैं। देखो परंपरा पूरा सारी दुनिया में भगवान जब भी आए ना परंपरा बात ही बोले। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले, भगवान कृष्ण ने क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरा शरण में आ जा, मेरा भक्त बनो। जब टाइम हो गया टीवी में बंद कर दिया शाम को, जब वही कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु हो गए, कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु बनकर आए ना, भक्त होकर आए, तब क्या बोले? बोलो कृष्ण भज कृष्ण, वही बोल रहे थे ना, करे कृष्ण नाम, सब समय बोलते थे। प्रभु जी बोले देखो यही परंपरा है, कृष्ण जो बोल रहे थे और वो भक्त बनकर, कृष्ण भक्त बनकर आए फिर वही बात बोल रहे, ये परंपरा सिस्टम। ये बुद्धि हमारा बिगड़ जाता है, हम जब सोचते हैं कि परंपरा में कोई गलती है, ये ज्ञान से और कुछ बड़ा ज्ञान है तो हो गया, हमारा आंख हम खोल दिए, आंख खोल देते हैं ना तो आ गया प्रॉब्लम सब कुछ। इधर अंधा बनकर वो अज्ञान तिमिरंदे से अच्छा है। जो गुरु जी आप जो भी ज्ञान देना है दे दीजिए, जो भी वैराग्य देना है दे दीजिए, जो भक्ति देना है दे दीजिए, मैं तो अंधा आदमी हूं बस। इस भाव को लेकर हम सड़कों से भी टीचिंग समझ सकते हैं।
वो ऐसे थे। अब मत सोचिए कि वो लोग बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, आपको पता नहीं। जैसे रूप सनातन दोनों को पकड़कर हुसैन शाह लाए ना, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया, संसार में सबसे बुद्धिमान लोग दो भाई है, महाराष्ट्र ब्राह्मण है। वो क्या राजमिस्त्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जर्ट वगैरह करते हैं ना, सीमेंट काम करते हैं, उसको मिस्त्री बोलते हैं ना। मिस्त्री से पता चला कि एक डूब बना रहे थे, बहुत बड़ा खम्भ डूब्स, आजकल होता ना डूब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। वो जो टप पॉइंट है, जो पिक पॉइंट है, उसका जो सिखा है, उसको कंप्लीट करना मुश्किल होता था, बार बार गिरता था। तब वो मिस्त्री को बोलने लगे, कोई बुद्धिमान आदमी चाहिए। तो उन्होंने खबर दे दिया कि दो भाई इधर है, बहुत विचक्षण है, उनको तुम ले आओ। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया, रूप सनातन को, संतोष उनका उस समय नाम था, दोनों नाम अलग अलग था, संतोष सनातन का नाम था, संतोष, उनको पकड़ कर ले आए। उस इंसान ने बोले तुमको रहना भी पड़ेगा मेरा पास, और उनको डरने लगे, वो तो राजा थे ना, उनको मार देंगे, नहीं तो उनका जाति भ्रष्ट कर देंगे। तब तो बोल दिए, तबीर खास साकर मलिक दोनों को, दोनों भाई को ले आए, पास में रखने लगे। और महाप्रभु के लिए कितना वो प्रार्थना किया है, क्योंकि वो सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, और महाप्रभु ऐसे प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। सब सब सुनेंगे संप्रदाय के जो सड़गोत्सव की शिक्षा की क्या क्या सार चीज है, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन ये तो एक एक आचार्य लोग का चरित्र हम तो नहीं सुन सकते, इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना लीला है, तो ये खत्म नहीं होगा, बहुत दिन लगता है। तो एसेंस क्या है, इनका भाव जो है, ये परंपरा की शिक्षा की एसेंस है। जैसे एक दो पॉइंट में बोल देता हूँ, बाद में शाम को मैं बोलूंगा। जैसे गोस्वामी लोग हर समय गुरु जी का कृपा को स्मरण करते थे, जैसे समर्पण के लिए कृपा स्मरण जरूरत है। जैसे हमारा गुरु जी का स्मरण क्यों नहीं हो रहा है, आचार्य का स्मरण क्यों नहीं हो रहा है, जो कितना कृपा किए हैं, जैसे प्रभुपाद जी कितना हम लोग को कृपा किए, अगर इसको हम नहीं सोचेंगे तो कभी स्मरण नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। आपको कोई कुछ दे रहा है ना, तो आप उसका बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, जो कुछ दिए हैं ना उसको अगर सोचेंगे तो याद आ जाता है। ग्रेटफुलनेस इसको बोलते हैं, इसमें लॉयलिटी, क्या बोले हिंदी में लॉयलिटी को, क्या बोलते हैं, एक वफादारी बोलते हैं, एक निष्ठता जो ये बढ़ता है। अच्छा लोग गुस्सा में लोग ऐसा था, लॉयलिटी बिल्कुल, क्योंकि बार बार स्मरण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु कितना कृपा किए हैं, घर छोड़ने के लिए कितना बार वो प्रार्थना किया महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी को दर्शन के लिए, घर छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, क्योंकि बार बार स्मरण कर रहे थे महाप्रभु हमको कितना कृपा किए हैं। कृपा से अनुगत्य भाव चला आता है, लॉयलिटी मेंटेलिटी डेवलप होता है, कितना गुरु जी कृपा किए हैं, हमको आश्रम में रखे हैं, खाना पीने को प्रभुपाद जी दे रहे हैं, आराम से हम सुख में हैं, तब तो हमारा लॉयलिटी मेंटेलिटी। तो ये कौन सा पॉइंट को लेकर हम आचार्य लोग की टीचिंग से हम जाएंगे, लेकिन टीचिंग्स हम थोड़ा सुनेंगे। चरित्र तो आजकल आपको मिल जाएगा, कौन सा पॉइंट चैतन्य चरितमृत में कहाँ है, चैतन्य भागवत में कहाँ है, उसको हम सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, टाइम हो गया है, अगर किसका क्वेश्चन है तो 5 मिनट है तो पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए, जय दुर्गा जी बोलिए। थैंक यू सो मच महाराज, पहले तो बहुत बहुत आपने पूरे नेक्टर की एकदम से वर्षा कर दी हमारे ऊपर, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज उसके लिए। महाराज मेरा एक प्रश्न था यहाँ पे, जैसे ये श्लोक आता है धावन निमिल्ले वा नेत्रे, एक तरफ ये श्लोक है कि हमको आंख बंद करके शिक्षा कैसे पालन करना है, और दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि गुरु साधु और शास्त्र का बैलेंस करके हमको समन्वय करना है टीचिंग्स का, तो इन दोनों को कैसे समझ सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर में इसको लिखे हैं, देखो गुरु साधु शास्त्र का टीचिंग्स को बैलेंस हम नहीं कर सकते, क्यों, हमारा अधिकार अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। क्या अर्जुन जो पहला फर्स्ट चैप्टर में जो बोल रहे थे, ये कोई गलती है अर्जुन का,
और जो युक्ति कर रहे थे वर्ण संकर हो जाएंगे, ऐसे युद्ध नहीं करेंगे, ये ठीक बात नहीं है। ये वेद से लाकर बोल रहे थे, समझ रहे कि नहीं। अर्जुन जो युक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता में कृष्ण को बोले है ना, जयते वर्ण संकर कुलाघ्नानम, जो 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 श्लोक बोले है ना, ये सही बात है। लेकिन जब अधिकार की बात चले आते हैं ना, अर्जुन के लिए वो अधिकार नहीं है, अर्जुन कर्मा अधिकारी है, अभी इनको युद्ध करना ही है, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है। साधु शास्त्र और गुरु वाक्य को मिलाकर एसेंस लाना, क्योंकि हमारा अधिकार अभी तक निर्णय हुआ नहीं हुआ है, इसलिए गुरु जी बोलते तुम ऐसे करो। अगर हम खुद मिलाएंगे ना, ये मिलता नहीं है। कभी शास्त्र का वाक्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको जीवन में उतारने के लिए मुश्किल हो जाता है। कभी गुरु का वाक्य को मिलाते हैं, शास्त्र वाक्य से नहीं मिलता है। इसलिए बेहतर है कि हमको प्रार्थना करना है। शास्त्र साधु गुरु जैसे तीनों आप बोले हैं ना, वो तीनों अधिकारी भी देते हैं, प्रार्थना करने से अधिकार दे देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन देख लीजिए, नरोत्तम दास ठाकुर क्या लिखे हैं, भजन करने के लिए क्या चाहिए। पूर्वापर करिया विचार, इस विप्रमुक्ति चंद्रिका में है, पूर्व और अपर, पूर्वापर करिया विचार नहीं, पूर्व आरंभ क्या है, भक्ति रसा स्वादन मध्यस्थ भागवत पुराण, पूर्वापर करिया विचार कहाँ है वो, अब देख लीजिए उधर नरोत्तम दास ठाकुर यही बोल रहे हैं। अगर भक्ति को पूर्वापर करिया विचार नहीं मिल रहा है, हाँ ना, ये नहीं, प्रेम चंद्रिका में, प्रमुख चंद्रिका में, पूर्वापर कर, हाँ, महाजनर जयी पथ ताते हवे अनुगत, इसका बाद पूर्वापर करिया विचार सादर स्मरण लीला यहाँ ते ना कर हेला काय मने करिया सुसार, यह इसमें पूर्वापर लिखे है। ये सब समर्थ साधु के लिए, पूर्वाचार्य और पराचार्य क्या बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग का तो हालत ऐसा हो गया है कि जीना मरना बराबर हो गया है, समझ रहे हैं ना, कैसे जिएंगे, थोड़ा भक्ति युग में कैसे जी जाएंगे। महाजनर जयी पथ, देख इसमें महाजन लिखे हैं, ताते हवे अनुरक्ता, महाजन जो पथ बोले है ना, इसमें अनुरक्त हो जाइए, बिल्कुल अटेस्ट हो जाइए। पूर्वापर करिया विचार, पूर्व और पर, पूर्वाचार्य क्या बोल रहे और वर्तमान जो आचार्य लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये सुस्टेटमेंट कहाँ लगेगा, ये समर्थ लोग के लिए, जिन लोग का अधिकार सुस्थिर हो गया है। और साधन स्मरण लीला यहाँ ते ना कर रहेला काय मने करिया सुसार, साधन लीला स्मरण लीला वो कभी हेला नहीं करते है, मन में बहुत सुस्थिर भाव से। अभी क्या हम लोग जीना मुश्किल हो गया है, भक्ति युग में जीना, शिक्षण और चैंटिंग करके प्रसाद लेकर के सुबह मंगल आरती आना, इसी में हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं क्या। हमारा अभी हालत क्या हो गया पता है आपको, एक रात में करोड़पति शेयर मार्केट जैसा हो गया है। बुरा मत मानिए, हम लोग ऐसे है ना दरगे जी, हम ऐसे चाहते हैं कि कैसे थोड़ा थोड़ा श्रम करके बड़ा भक्त बनना है, शेयर मार्केट में जैसे ये रात रात एक रात में बस करोड़पति बनेंगे हम, इसे नहीं होता है। हमको अधिकार, हमारा अधिकार शास्त्र गुरु आचार्य से मिलाएंगे ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है। क्या करेंगे, मैं हर समय ये बोलता हूँ, जब इसको हम कंपेयर करेंगे, हर समय कंपेयर करेंगे, तो एक होता है हम सोचते हैं ये इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल कन्विंस, सब कुछ करेंगे और एक ये करेंगे मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, जो भी करते हैं ना नहीं होने वाला है, फिर सिक्स डाउन करेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण नहीं मिलेंगे मुझे, भक्ति भरा नहीं होगा, फिर हरे कृष्ण करेंगे, सेवा भी करेंगे, एक स्टेज आ जाता है। जब हम कंपेयर सब करते हैं, सब पढ़ते हैं ना, ज्यादा आप मत सोचिए ज्यादा किताब निकल गया और ज्यादा प्रवचक निकल गया साधक लोग का ज्यादा भलाई होता है, नहीं, ये ज्यादा फंस जाते हैं। क्यों, अधिकार निर्णय करना मुश्किल, उनको अच्छा लगता है ना, मेरा गुरुजी तो बुक डिशन बोलते थे, बुक डिशन करते थे मैं, और वो बोल रहे कि बुक डिशन कुछ नहीं है, तो
वृंदावन में रहना अच्छा है, तो क्या आपको बोलेंगे? अभी गया गुरु का सेवा जो थोड़े बहुत करके जी रहे थे वो भी गया, फिर वृंदावन जाएंगे उधर तो भोगी बनेंगे, तुम तो भोगी आदमी हो। अधिकार निर्णय बड़ा चीज होता है, ये आचार्य लोग अधिकार देते हैं, इसे पद है, कहाँ अधिकार देने के लिए हम प्रार्थना, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ना। तो मैं कौन सा बात बोल रहा था, एक बात बोल रहा था इसका पहले, हाँ इम्पॉसिबल फील होता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ना साधु शास्त्र गुरु और अधिकार पता नहीं है, तो हम सोच कुछ दिन का बाद सोचेंगे इम्पॉसिबल है, और नहीं तो दूसरा क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे, ये नहीं होगा मुझसे, ये पढ़ाई नहीं होगा। छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं ना, मां जी तुम ये रख लो मेरा किताब, ये मुझसे पढ़ाई नहीं होगा, ऐसे माली झोली का हम गुरु जी का गला में डालकर हम चले जाएंगे। प्रभु जी माला में इस्कन मंदिर से लिया था, अभी आपका पास में रख कर चलता हूं, क्यों अपराध करूंगा, आप ये माला जपिए, ऐसा ही होगा। अगर ज्यादा दिमाग खर्च करेंगे साधु संत का अधिकार तो अलग होता है, अधिकार से मिलता नहीं है तो डाउट बढ़ता है, और डाउट बढ़ जाता है, तीन चीज होता है, इम्पॉसिबल फील होता है, डाउट बढ़ता है, नहीं तो छोड़ देते हैं। इसे बेहतर है प्रार्थना करना है, शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध परंपरा है, हर समय आचार्य लोग मेरा क्या अधिकार है, मैं कैसे जीऊंगा, आप मेरा हाथ पकड़ कर ले चलिए, मेरा इच्छा है तो थोड़ा भजन करने के लिए, आप अगर मदद नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। ये सबसे अच्छा सरल उपाय है, समर्थ लोग के लिए ये सुपथ है, पूर्वाचार्य पर आचार्य मैं यही बोलता हूं, तो आप मुझे मिला देंगे पराचार्य का, मिला नहीं सकते। रूपा जी बोलते थे कि 16 माला जप करो मिनिमम 6 राउंड, है ना, अभी 6 राउंड करना कितना मुश्किल है आपको पता है। और भक्तिदानंद सरस्वती ठाकुर गुरु जी क्या बोलते थे, उनका गुरु जी क्या बोलते थे, जो लाखपति नहीं है उनका मुख में दर्शन नहीं करूंगा, लाखपति का मतलब होता है 64 राउंड करना। तो मिला ये गुरु और शिष्य का सिद्धांत को मिला ये। और गौरकृष्ण जी महाराज जी ये बोलते थे कि तुम एक कलिका नगरी कोलकाता में मत जाओ, कलिका ये कलिका चेला है, माया का नगरी बोलते थे। और भक्तिदान ठाकुर ने उधर ही गोड़िया मठ बनाए, मिला कुछ नहीं मिलेगा। आचार्य क्या होते हैं, जीव के हिसाब से, जो जीव है ना, ये जीव का कैसे भलाई होगा, कृष्ण में परमात्मा को पता है ना हम कौन है, कृष्ण को पता है कि नहीं, उस स्वरूप तनु प्रकट करते हैं आचार्य के माध्यम से, पूरा फुल्ली मैनिफेस्टेड होता है, और जीव की भलाई के लिए वो प्रिंसिपल आता है। पूर्वाचार्य को मिलाएंगे, गोस्वामी लोग सूखा रूखा खाते थे, अभी वृंदावन में बांदर लोग पूरी खा रहे हैं, वृंदावन में सूखा रूखा रोटी नहीं मिलता है, भजन करेंगे तुम तो मिलाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये नहीं होती समर्थ लोग के लिए। हमको इतना करना है, हमको सिर्फ गुरु कृष्ण भगवान को महाप्रभु को प्रार्थना करना है, आचार्य का जो स्वरूप है, आचार्य को शिक्षा है, मेरा अंतर में थोड़ा चलाना चाहिए, तो इसमें विश्वास टिक जाता, ये विश्वास पर हम टिक जाता ना, ये मेरा गुरु का स्टेटमेंट है, आचार्य का स्टेटमेंट है। अगर देखो कर्मी लोग एक चीज विश्वास करते हैं, मैं उससे प्रीचिंग करता हूं दो चीज बोलता हूं, हम तो डिवोटी है, छोड़ दीजिए, हमारा तो अभी भाग्य है और भगवान है और उसका साथ गुरु है, समझ रहे ना, हमारे पास अभी गुरु है और हमारा डेस्टिनी है उसका साथ, डेस्टिनी को चेंज करने वाले कौन है, और डेस्टिनी को चेंज करने के लिए हम अगर प्रार्थना नहीं करते, हमारे पास एक है स्टेप इन, गुरु जी लायर है वो, मैं तुम मेरे लिए कुछ कर लो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, और क्या है, हमारा प्रार्थना कृष्ण नहीं सुनेंगे, इसीलिए जैसे आप कितना भी परफेक्ट आदमी हो, आपका नाम पर केस लग गया है, क्या आप जज को कुछ बोल सकते हो, कुछ नहीं, लायर को पकड़ना है, लायर कुछ बोलेगा, तो हम ऐसे हैं। तो कौन सा बात मैं बोल रहा था, हाँ कर्मी लोग देखो कर्मी लोग हमसे कभी कभी बेहतर हो जाते हैं, हमारा फेत इतना गिर जाता है, देखो हमारा भाग्य है और भाग्य को चेंज करने के लिए भगवान है, और हमारा भाग्य को परिवर्तन करने के लिए डिवोटीज है, गुरु है, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, तो हमारा बात नहीं सुनेंगे तो उनका बात ठाकुर जी सुन लेंगे। अगर हमारा भाग्य है तो कृष्ण के पास जाने के लिए हमारा डेस्टिनी है, तो उसको कोई रोक सकता है, सोच लीजिए, कर्मी लोग को ये बोलते हैं ना, मेरा भाग्य में जो है वही होगा,
वो ऐसे बोलकर माइंड को पासिफाई करके परिवार चला रहे। हर जितना फैमिली लोग है परिवार, आप शादी किए हैं? अच्छा है, नहीं किए ना, जो किए हैं उनको पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, जो नहीं किए उनको पूछ लीजिए, जो किए हैं उनको पूछ लीजिए, नहीं करने वाले को पूछने से पता नहीं चलता, जो किए हैं उनको पूछ लीजिए। उनका घर में जो भी डिसएग्रीमेंट हो रहा है ना, वही सोचता है मेरा भाग्य में और क्या कर रहा वो पैसिफाई करके चला रहे हैं परिवार। ये सत्य बात भी है ना, और हमारे भी इधर है। जब मन इधर उधर जैसा क्रेजीनेस क्रिएट करता है ना, हमको यही बोलना है, अगर मुझे कृष्ण के पास जाना है तो ले जाने वाले कृष्ण है, वो ले जाएंगे। अगर मुझे नहीं जानना है तो मैं क्या जा सकता हूँ, कितने भी साधन करने से मेरे भाग्य में जो है वही होगा ना। ज्यादा कोई नहीं दे सकता है और आपका भाग्य से कोई नहीं ले सकता है। अगर कृष्ण प्राप्ति होना है, भक्ति शुद्ध स्तर पर जाना है, तो ले जाएंगे कृष्ण किसी भी उपाय से। हम सिर्फ प्रार्थना करना है, हमारे साइड में इतना है, सिंसियरिटी रहना चाहिए। हम ट्राई कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं और क्राई, तीनों है हमारा फॉर्मूला। बस ये सरल चीज है, नहीं तो शास्त्र के हिसाब से कंपेयर करेंगे ना, कभी कभी फंस जाते हैं हम लोग। अधिकार निर्णय होता है तब डाउट आ जाता है, नहीं तो छोड़ देते हैं, नहीं तो असंभव सोचते हैं, ये होगा नहीं जीवन में, करते हैं फिर भी डाउट। यह अच्छा स्थिति नहीं है। ठीक है, आपको बोलना है? प्रभु जी बोले थे, टाइम हो गया ना, प्रसाद लेंगे। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। आंख बंद करके रखना है, ये तो आपने बता दिया। अब जिनका खुल गया है उसको कैसे बंद करना है? अगर उसको अभी देखो, जो जिसका खुल गया रहता है ना, जैसे फ्लाइट में हम बैठते हैं ना, आंख खुला रहता है, लाइट जलता है, इसीलिए वो आंख में बंद करने के लिए एक देते हैं, वो लोग पट्टी लगा लेते हैं आपको गांधारी जैसा बनना है, समझ रहे ना? इसका क्या करना है, क्योंकि हमारे तो आदत हो गया है ना, सब चीज में बुद्धि खर्च करना, ये सब क्यों हो रहा है? तो अभी क्या करना है? नहीं, जब माइंड डिटेक्ट करता है ना, नहीं अभी क्या करना है, जो हो गया हो गया है, बहुत दिन हो गया है, अभी नहीं, अभी मैं डिपेंड करूंगा, अभी रिस्ट्रेन मेंटेलिटी जैसा है ना, फिर पीछे लाना है। गांधारी का आंख था कि नहीं, पति को देख लिया है ना तो आंख लगा लिया। हम लोग ऐसे हैं, तो कितना जितना डिवोटी लोग हैं जी भाई, हमारे संप्रदाय में जो दूसरे संप्रदाय में, मैं फ्लाइट में बैठ बैठ कर ये सोच रहा था, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा संप्रदाय, हमारा इसका नाम यह हो गया कितना, 50 ईयर है, 50 ज्यादा हो गया ना, 57 हो गया। तो देखो 57 का डिवोटी कितना 57 ईयर का डिवोटीज कितना लोग है, ऐसा हमारा ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। मैं सोचता था मायावती का कैंप पर जाओ, किसी भी धर्म संस्था पर जाओ, देखो टिकने वाले बहुत कम होते हैं। संस्था जिस दिन से शुरू हुआ है उसी दिन से कोई डिवोटी अभी नहीं है, और जो लोग रहते हैं वही लोग ही गोलोक वृंदावन जाते हैं। अंतिम वो श्लोक कहां लगेगा? ततेनुकंपा सदायो भक, जो इतना दिन टिक कर रह रहे हैं ना, वो बहुत सहन किए हैं, उनका भरोसा बहुत कृष्ण का ऊपर है, वो गुरु आचार्य के संप्रदाय को विश्वास कर रहे हैं। हम बाहर दृश्य से देखेंगे वो इतना एडवांस नहीं है, लेकिन कृष्ण इस सिंसियरिटी, जो प्रभुपाद बोलते हैं, यू कैन अट्रैक्ट कृष्ण बाय योर सिंसियरिटी, कृष्ण यही गुण पर उनको उतार कर ले जाते हैं ऊपर। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसे जी कर कैसे रहेंगे। इसलिए आप बोल जैसे बोलो ना, गांधारी देख लिया ना, ये प्रॉब्लम होगा, मेरा आंख रहेगा तो मैं पति को मिनिमाइज करूंगा, तो ये सब गांधारी नहीं सोचेगी मैं तो हेल्प कर सकती हूं, नहीं। तो अगर आंख में पट्टी नहीं लगाए होते तो गांधारी, तो कितना हेल्प हो सकता था, किसके लिए? पति के लिए। वो एक पॉइंट को देखा, मैं जितना मेरा आप बोले तो मेरा इतना ज्ञान आ रहा है, और दूसरा क्या हो सकता है मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं पति को मिनिमाइज कर सकता हूं, उनका पोजीशन को बेहतर है समान धर्म में रहना। हमारा आचार्य लोग कभी इसे सत्स्त्रियम जिसे, वो कभी कभी नहीं आंख खुलकर नहीं देखे हैं,
मेरा पोजीशन मिनिमाइज नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। हमारा पोजीशन फलन है, हम तो पतित जीव है, लेकिन मेरा गुरु का जो पोजीशन है, आचार्य का पोजीशन है, वो ऐसी स्थिति में रहना चाहिए। ये शिष्य का सबसे बड़ा संपत्ति है। हम पतित जीव है लेकिन गुरु को इतना बड़ा मान देते हैं। अब नहीं देखे हैं प्रधानमंत्री आते हैं उधर, वो जो बीजेपी हो चाहे कोई आपका मुख्यमंत्री का जो पार्टी में लोग है, वो शराब पीने वाले भी उधर हल्ला गुल्ला करते हैं, जय हो जय हो, समझ रहे हो ना। वो लोग पार्टी का लोग है ना, वो पतित है लेकिन जयकार जयकार चलाते हैं। हम लोग ऐसे हम पतित लोग है, पार्टी में जन किए है ना, तो हल्ला हरे कृष्ण करते हैं, तो पतित है। हमारा भाव ऐसा है, इस भाव में जो आपको गंधर्व जैसा होना है, हम लोग को गंधर्व से ए पॉइंट सब पॉइंट नहीं लेना है, ए पॉइंट लेना है। फिर दुर्योधन जी का अटैचमेंट रखना वो अच्छा नहीं है, ए पॉइंट लेना है। मेरे पति का पोजीशन को मैं मिनिमाइज कर लूंगा, ऐसा मुझे जरूरत नहीं है। क्यों देखूंगा बार बार, और बार बार बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, फिर प्रभुपाद को डाउट करूंगा, प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसे बेहतर कि मैं झाड़ू लगाऊंगा। मुझे इस्कन में रहना है, मुझे प्रभुपाद के आश्रम में रहना है, चाहे मेरा जीवन में सब कुछ चले जाए, ये साधु का चरण। एक कुत्ता घर में गिर पड़े रहता है, आपका घर में कुत्ता रहता है, वो देखने के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन पुराना हो गया है, बुढ़ा हो गया है, तो मालिक क्या करता है, उनको भगाता है, वो नहीं जाता है, और फिर मालिक का दया जाता है, क्या करे, कितना भगा रहा हूं नहीं जा रहा है, तो उसको झूठा मोटा भी कुछ देता है कि नहीं देता है। ऐसे हम लोग हैं, हम पड़े रहना चाहिए, जो भी होगा होगा, कुछ तो मिलेगा। तो फ्लैट नहीं मिलेगा तो थाली प्रसाद नहीं मिलेगा तो झूठा मिलेगा ना, रेस्टोरेंट में लोग खाते हैं फेंक देते हैं ना, इधर तो मिल जाएगा कुछ, ऐसा है भाव है, छोड़कर जाएंगे तो कहां मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, टाइम हो गया, ठीक बोलो लास्ट। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। महाराज जैसे आपने बताया था कि भगवद गीता का 10-11 श्लोक में आपने बताया था कि भगवान मतलब भजताम प्रीति पूर्वकम, तो प्रीति पूर्वकम हमें भजन करना चाहिए, तो प्रीति कैसे आएगी, वो डेवलप कैसे होगी। और छोटा सा दूसरा क्वेश्चन था कि जो गौर निताई को नहीं मानते उनको ब्रज कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, तो उनको सिर्फ माधुर्य रस प्रेम नहीं मिलेगा या फिर बाकी मतलब चारों में से कोई नहीं मिलेगा, चार रस में नहीं, नहीं माधुर्य प्रेम नहीं मिलेगा, अच्छा बाकी मिलेगा, गोलक नहीं जा सकते, तो राधा है, राधा को नहीं मानेंगे राधा का घर में घुस जाएंगे, मैं आपको नहीं मानूंगा आप घर में घुस जाएंगे, अगर घुस जाएंगे तो धक्का देकर निकाल देंगे हम लोग, घुसे तो नहीं सकते वो, राधा है ना, राधा है अपूर्ण महिमा की दृश्य वाना, ये कैसे घुस जाएंगे, वो कभी नहीं मानते, इसलिए हम राधा कृष्ण को कंप्लीट नहीं मानते हैं जहाँ गौर नहीं है, पता है ना, हम गौड़िया हैं, हमारा अच्छे लोग ऐसे बोले हम बोल रहे हैं, चाहे प्रेम हो नहीं हो, तो दुनिया में प्रेम नहीं है वो हल्ला हल्ला आई लव यू बोलते हैं, वो अगर ऐसा आई लव यू बोलते हैं हम क्यों नहीं बोलेंगे आई लव यू, हम कृष्ण को ही नहीं बोलेंगे, दुनिया में कुछ नहीं है वो आई लव यू बोलते हैं, हमारा हमारा कुछ नहीं है हम भी बोलेंगे महाप्रभु हम लोग हैं आई लव कृष्ण, हम ऐसे हैं, दुनिया में लोग बोलते हैं हम भी बोलते हैं, हम छोड़ देंगे, अरे हम लोग इतना बड़ा आत्मा नहीं है, हम ऐसे बोलते हैं क्यों, हमारा गुरु बोले, मैं ऐसे हूँ, मेरा स्टेज ऐसा आता है, दुनिया के लोग जैसे बोलते हैं ना उनका प्रेम नहीं है बोलते हैं आई लव यू, मेरा ऐसा नहीं है लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है बोलने के लिए, मेरा नहीं है क्योंकि ये अच्छा है, अमर मेरा गुरु बोले हैं, मेरा आचार्य लोग बोले हैं। ब्रज में क्या होता है, ब्रज में ये बोलते हैं ना, जहाँ राधा नहीं है, जहाँ राधा नहीं है कृष्ण अगर बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगी, बोलते हैं ना, कृष्ण अगर बुलाएंगे राधा नहीं है ना हम नहीं जाएंगे, ब्रज का भाव यही है। हम लोग का क्या है, राधा कृष्ण दोनों है, अगर हमको बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगे, गौर है कि नहीं, अरे गौरांग महाप्रभु नहीं है हम नहीं जाएंगे, ये कंप्लीट है, वो ग्रीन मैंगो है और गौर राइपन मैंगो है, वो मैंगो है ये राइपन मैंगो है, पका हुआ आम है, इसमें रस का परिपूर्ण है, पूरा माधुर रस का परिपूर्ण है, अभिनव भाव जो है मदना के माव कंप्लीट रिवलेशन इसमें हुआ है, इसलिए तो इसलिए गौर को मानना पड़ेगा। और दूसरा क्या जो बोल रहे थे, प्रेम प्रीति, प्रीति पूर्वक प्रीति तो नहीं होता, इसलिए तो भक्त को पकड़ते हैं,
जो लोग आज बोलते हैं मेरा आई लव यू, आई लव यू, वो किसको प्रीति करते हैं? मोबाइल को प्रीति करते हैं, मोबाइल सिखा देता है कि आई लव यू कैसा है। वो फेसबुक को खोलते हैं, समझ रहे हैं ना, वो देखते हैं कि वो ऐसे बोल रहे हैं आई लव यू, तो मैं ऐसे बोलूँगा। उनके पास नहीं था, वो किसको प्रेम किया है जिसका पास वैसा है, तो इसलिए तो हम भक्त प्रीति ऐसे नहीं होता है। भक्त प्रीति, भक्त को प्रेम करना है, इसलिए हम प्रभुपाद की अनुगत्य में सेवा कर रहे हैं, कभी अनुगत्य नहीं छोड़ते। भगवत प्राप्ति हो जाता है ना, फिर भी हम भक्त प्रीति नहीं छोड़ते। प्रमाण लेंगे आप? प्रमाण नहीं लेंगे? ध्रुव महाराज के प्रमाण ले लीजिए, प्रमाण लेना है ना। मैं बोल देता हूँ, आप ऐसे बोलेंगे वो महाराज बोल कर गए, फिर तो प्रमाण ले लीजिए। देखो ध्रुव महाराज ने जब जा रहे बैकुंठ, क्या बोल रहे हैं, मेरा माँ कहाँ है, मेरा माता कहाँ है। देखो भक्त प्रति नहीं छोड़ते हैं। मेरा माँ दूत लोग बोल रहे हैं ना, नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, आपका माँ पहले चले गए। हम भक्त प्रति कभी नहीं छोड़ते, इसका प्रमाण भी है, नरोत्तम दास ठाकुर का प्रमाण है। दिखा दीजिए, बोल रहे हैं तो दिखा देना चाहिए। प्रेम भक्ति चंद्रिका में यदि है पुनर्जन्म, रामचंद्र कविराज तार संग मोर काज, तार संग बिनु सब शून्य, इसमें है रामचंद्र कविराज तार संग अमर काज, इसे है प्रेम भक्ति चंद्रिका में। नरोत्तम दास ठाकुर ये बोल रहे हैं, मेरा तो जन्म नहीं होगा, मेरा अगर दूसरा जन्म होगा, मुझे ये ही मेरा आशा है कि रामचंद्र कविराज का संग दीजिए। उनका गुरु कौन है? रामचंद्र नरोत्तम दास ठाकुर, ये अंतिम पद है, रसिक डिवोटीज, रामचंद्र कविराज सही संग मोर काज, तार संग बिनु सब शून्य, है जन्म जदि पुनः तार संग है जन तब है नरोत्तम धन्य। ये नहीं बोले कि मुझे गोलोक वृंदावन भेज दीजिए, नहीं ये नहीं बोले, मेरा अगर दूसरा जन्म होगा ना, मुझे रामचंद्र कविराज का संग दीजिए। उनका गुरु कौन थे? तो गुरु लोकनाथ गोस्वामी। तो ये रामचंद्र कविराज का संग क्यों मांग रहे हैं? कौन सा सिद्धांत मिलाएंगे? क्योंकि रामचंद्र कविराज का संग करने का बाद उनका गुरु निष्ठा, समझ रहे हैं ना, गुरु का गुरु सेवा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, संग पकता है, प्रेम पकता है ना, इसलिए उनका संग, इसलिए भक्त संग करते हैं। इसलिए हमारा भक्त संग वैष्णव संग, गुरु संग, हरि संग, हरि गुरु वैष्णव बोलते हैं ना, वैष्णव लोग भी संग करना चाहिए, प्रेम होता है, जो प्रेम से सेवा करते हैं उनका संग करने से हमारा भी सादत आ जाता है। ठीक है, टाइम हो गया है, दूसरा जो क्वेश्चन है बाद में आप पूछ लीजिए, ठीक है, बाद में शाम को पूछ लीजिए, प्रसाद लेंगे ना, सेवा भी है मंदिर का। हरे कृष्ण, सर गोस्वामी प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ पद्मी सुभद्रा महारानी की जय, द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।